एंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई एम श्योर कि आपको बहुत टफ लगा होगा क्वेश्चनर, नहीं ना? सी अंडरस्टैंड, की टू सक्सेस फॉर सॉल्विंग क्वेश्चनर बुक वेरी प्रॉपरली इज नॉट टू रेफर देयर आंसर्स। सॉल्व ऑन योर नोटबुक बाय टेकिंग देयर क्वेश्चंस ओनली। फाइनली योर आंसर इज मैचिंग विद देयर आंसर, फॉरगेट कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। जाओ भी मत देखने के लिए कि कैसे सॉल्व किया, अदरवाइज तुम भूल जाओगे तुमने कैसे सॉल्व किया। उनके सॉल्यूशंस बहुत वियर्ड होते हैं। आप बोलोगे सर वो आपकी बुक है सर, वो उनके सॉल्यूशन क्या है सर, वो मेरे सॉल्यूशन नहीं है। आपको देखकर ही समझ जाएंगे वो इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से सॉल्यूशन है। हमारे पैटर्न कभी प्रिंटेड फॉर्म में आ ही नहीं सकते। हमारे पैटर्न ऑफ सॉल्विंग जो है वो मेरे स्टूडेंट के हैंड राइटिंग से उसके बुक में रहता सिर्फ, करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आपके पास एक होमवर्क दिया था मैंने, एक होमवर्क दिया था सिर्फ, हार्डली 3 मिनट का होमवर्क था, मैक्सिमम 5 मिनट। किया के सॉल्व तो क्वेश्चन नंबर क्या है वो 2020। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम योर रेगुलर नोट्स ना। पेज नंबर 201। कहां से 201? 205 है ना, 205। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है ज्वाइनिंग में, आप YouTube पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहां पर YouTube पर भी लोग ज्वाइन हो चुके। ये डोर क्लोज कर दो। कंपनी हैज रुपीज कितना है, 7 लाख। एवरीवन विद मी, इधर ध्यान है सबका। ओ भाई प्रेस्टीज टाइम का वॉचमैन भी इतना ध्यान नहीं दे रहा है, बाहर जितना तू ध्यान दे रहा है, नीचे देख रहा तू बाहर। प्रेम उधर का पीछे का फैन ऑन कर देना बाद में, उन पे दे आ गई मेरे को, फैन ऑन कर दो उनको देख के। 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, इट हैज इवैल्यूएटेड इट्स ऑप्शन। बात नहीं चाहिए अभी, क्लास में सिर्फ मेरा आवाज। फॉलोइंग ऑप्शंस हैव बीन इवैल्यूएटेड, इट हैज ओनली 4 ऑप्शंस, ऑल ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव एनपीवी, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर, क्या लिखा है, डिविजिबल। अगर डिविजिबल रहता है तो क्या यूज होता है, पीआई यूज होता है। एडवाइस द मैनेजमेंट विच इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड। एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट्स दिया है आपको, एनपीवी दिया है आपको, पीआई भी दिया है। तो आप सबने सबसे पहले क्या करना चाहिए, रैंकिंग करना चाहिए, प्रोजेक्ट पीआई रैंक। क्यों इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट पीआई एंड रैंक। प्रोजेक्ट कौन सा है आपको, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, पीआई बताइए 1.20, 1.25, 1.60, 1.35, 30, 30, एवरीवन। और आपका रैंकिंग में ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक आपका 1.30 है, थर्ड ये है, और लास्ट आपका एक्स आएगा। ध्यान दे रहे हो क्या क्वेश्चन की तरफ? अब नीचे वो सेंटेंस आएगा जो हमने कल लिखा था, क्या था, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एज पर द रैंक्स टिल द फंड्स आर एग्जॉस्टेड। याद आया क्या ये वाला सेंटेंस? सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एज पर द रैंक्स टिल द फंड्स आर एग्जॉस्टेड। ये सेंटेंस के बाद आप आपका मेन आंसर शुरुआत कर सकते हो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का।
सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के वक्त हमारा पहला कॉलम होता है रैंक, फिर आएगा प्रोजेक्ट, फिर आएगा एनपीवी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में आएगा आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट. ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी. और यहां पर रैंक वन जो है वो प्रोजेक्ट जेड है, जिसका एनपीवी कितना आएगा 1,50,000. इन्वेस्टमेंट 2,50,000. आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2,50,000, बट आपके पास है रुपया 7 लाख. 7 लाख माइनस 250 करेंगे तो 4,50,000. सही है क्या? 4,50,000. अब नेक्स्ट रैंक जो है रैंक टू, ये W का है. ले सकते पूरा नहीं ले सकते. इन्वेस्टमेंट कितने का है? 7 लाख का है. इन्वेस्टमेंट है 7 लाख का, मगर मेरे पास रुपया कितना है? 4,50,000 है. तो मैं बोलूंगा यहां पर 4,50,000 इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव हो जाएगा 7 लाख का. अब क्योंकि हम 450 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें पूरा एनपीवी नहीं मिलेगा. कैसी लो प्रोजेक्ट W का पीआई 1.3 है. प्रोजेक्ट W का पीआई कितना है? 1.3 है. कैलसी पे 1.3 लो पहले. माइनस करो 1 रुपी, तो 0.3 एक्स्ट्रा मिला आपको एवरी 1 रुपी. इनटू इन्वेस्टमेंट करो जितना आप कर रहे हो 4,50,000. 1,35,000. सर क्या बोला एक बार फिर से बता दो ना सर, है ना? ये देखो 1.3 का पीआई था, माइनस 1 किया, इनटू जितना अपन ने इन्वेस्टमेंट किया उतने से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आता है 1,35,000 का एनपीवी. एवरीवन विद मी. अब टोटल आपका एनपीवी आ गया 2,85,000 का. आप बोलोगे कंक्लूजन में प्रोजेक्ट जेड एंड डब्ल्यू शुड बी सिलेक्टेड रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख एंड गिविंग एनपीवी ऑफ 2,85,000. समझ गए? प्रोजेक्ट जेड एंड डब्ल्यू शुड बी सिलेक्टेड रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख एंड गिविंग एनपीवी ऑफ 2,85,000. गिविंग एनपीवी ऑफ 2,85,000. ऑल ऑफ यू, हमने पार्शियल इन्वेस्टमेंट किया W में, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया. हमने क्या किया है? पार्शियल इन्वेस्टमेंट किया है. पार्शियल मतलब लेस देन फुल किया है. कितने का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था वहां पर? 6 लाख का. आपके पास कितना था? 4,50,000 था. तो ये पहले तो ये 450 को भी आप हैश मार्क करके उसका भी कैलकुलेशन लिख दो. उसको क्या बोलोगे आप? 7 लाख माइनस 2,50,000. मतलब ऑलरेडी अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था 2,50,000. टोटल पैसा था 7,50,000. तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ 4,50,000 था. क्या सबको समझ में आ रही है मेरी बातें? तोड़ ही देंगे अभी तो. प्रॉब्लम्स की भी लिमिट रहती है ना. हाँ, ये आपका होम एक्सरसाइज क्वेश्चन था. इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगा हाफ पेज, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगना चाहिए था 3 से 5 मिनट. बावजूद इसके आपके क्लास में 30 लोग ऐसे जो स्क्रीन से देख के लिख रहे, स्क्रीन से देख के लिख रहे, मतलब इनके पास 3 से 5 मिनट भी नहीं है खुद के करियर के लिए. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए क्यों रहेगा ना? भूल गए थे, आपको बोल दी मैडम नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको याद दिलाया करूंगा रोज होमवर्क कर लीजिए बोल के. चलिए अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की.
रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनियर वाला पार्ट। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बेटा। जब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, पूरे इंडिया को पेपर आसान जाता है बेटा। फिर तुम्हारे जैसे होनहार स्टूडेंट्स जो ज्यादा पढ़ते हैं, टफ लेवल तक पढ़ते हैं, उनको भी 60-70 के बीच में आते हैं, और बाकी लोगों को भी 60-70 आते हैं। जब पेपर थोड़ा टफ आता है ना, जैसे क्राउड बाहर निकल जाता है, और सिलेक्टिव क्वालिटेटिव लोग जो है वही लिख पाते, जिससे उनका स्कोर 70-80-90 जाता है। पेपर चेकर देख रहा है सबका ही करेक्ट है, तो वो जनरली सबको कम मार्क्स देगा ना, ज्यादा स्ट्रिक्ट बन जाएगा वो। आपके प्रेजेंटेशन पे ध्यान देगा, आपके कंक्लूजन लिखा कि नहीं वो देखेगा, नोट लिखा कि नहीं वो देखेगा, और ऑटोमेटिकली जितनी चीजें आपने कम कम की है उतना मार्क्स कम होते रहता है। वैसे ही अगर पेपर थोड़ा टफ आता है, तो वैसे भी लिखने वाला क्राउड ही बहुत कम है, तो उसको मार्क्स टेंशन नहीं रहता कट करने का। फिर ऑनेस्टली जिसने सॉल्व किया उसको पूरे मार्क्स देता है। तो पेपर कभी भी थोड़ा टफ आना चाहिए, ठीक है? हमें कैसा भी पेपर चलेगा, वी विल डू इट, ये होना चाहिए भाई, भाई ये एटीट्यूड चाहिए। चलिए क्वेश्चन या डिस्कशन पे आते हैं। आपका रेशियो एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर वन, कितने लोग सॉल्व कर पाए इसे? क्वेश्चन नंबर वन को कितने लोग सॉल्व कर पाए? ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन नंबर वन सेज, इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022, द डायरेक्टर्स ऑफ मेसर्स एचपीसीएल हैव टेकन अ डिसीजन टू डाइवर्सिफाई। एट प्रेजेंट दिस कंपनी इज सेलिंग ऑल इट्स फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयर हाउस। द कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे, उधर जा, चार बेंच आके उसको मार दे एक बार, और जिंदगी जीने आएगा तेरे को कम से कम, फिर तू क्वेश्चन पे ध्यान देगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है तुम्हारा ध्यान कभी नहीं रहता है, और तुम बोलते हो तुम ध्यान दे रहे हो। द कंपनी इशू डिबेंचर ऑन 1 जनवरी 2023, परचेस्ड फिक्स्ड एसेट ऑन द सेम डे। द परचेस प्राइस हैव रिमेन्ड स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। इनकम स्टेटमेंट दिया, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फाइनली आपका नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स नेट ब्लॉक बोला है। नेट ब्लॉक समझता क्या? ये टैक्सेशन का वर्डिंग है। ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक इज नथिंग बट बैलेंस शीट में आने वाला फिक्स्ड एसेट्स। रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, स्टॉक, टोटल करंट एसेट्स, पेबल्स, टोटल करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड ऑब्वियसली एफ ए प्लस सी ए करेंगे तो टी ए, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेड बाय मतलब लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, डिबेंचर भी है। और आपको बोला था ना उन्होंने इस साल लेटेस्ट में डिबेंचर इशू किया, देखो पिछले साल डिबेंचर जीरो था, इस बार डिबेंचर का अमाउंट दिख रहा है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर्स 2022 एंड 23। दोनों साल के रेशियोज पूछे कि एक साल? दोनों साल के रेशियोज पूछे। और इन्होंने बोला जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियोज, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। तो सबसे पहला रेशियो आपको पूछा था जीपी रेशियो, आया सबको? ग्रॉस प्रॉफिट आपको अमाउंट दिया है क्या? 64,000, 76,000, एंड डिवाइड बाय सेल्स, कौन सा लोगे, कैश या क्रेडिट या टोटल? ऑफकोर्स टोटल लेंगे हम लोग, 3 लाख एंड
374,000, तो कैसी लो 64,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100, 21.3%। तो नेक्स्ट ईयर में भी ऑब्वियसली 20.3 आ जाएगा एवरीबॉडी। चलो सही है। देन इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकालना है आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दोस्तों कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है? इनडायरेक्ट वाले कौन से वाले है? 49,000, 57,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो अलग होता है और ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है। ऑपरेटिंग रेशियो में सीओजीएस प्लस इनडायरेक्ट आता है। तुम खड़े हो जाओ। अभी आपने जो डिस्कस किया वो रेशियोज का डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, जो बता रहा था मैं अभी। नहीं सुन, बेंच पे खड़े हो जाओ, खड़े रहो। सो 49,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वाला। शुड आई टेक डायरेक्ट ऑल्सो? यस और नो? क्या भाई तुझे? तू भी खड़े हो जा, लास्ट बेंच। हाँ, खड़े हो जा, बेंच पे खड़े हो, और हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करके खड़े हो जा दोनों। हाँ, ऐसे नहीं खड़े रहते हाथ ऊपर करके। हाँ ठीक है, ध्यान दो आसपास वाले। सेकंड पूरा बेंच खड़ा कर दूंगा मैं, बेंच पे पूरा लास्ट बेंच ही खड़ा कर दूंगा मैं अगर हंसोगे तो। ध्यान दो इधर, अभी हाथ नीचे कर, खड़े रहे नॉर्मल। अभी आसपास वालों का ध्यान नहीं जाएगा, तेरा हाथ ऊपर रहेगा तो। इधर ध्यान दो, अभी यहां पर बोला है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब लोग ध्यान दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिए? डायरेक्ट सीओजीएस वाला पार्ट क्यों नहीं लिया? ऑपरेटिंग रेशियो बोला रहता ना, तो मैंने क्या बोला था आपको, वर्ड छोटा और अमाउंट उसमें ज्यादा आएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोला तो उसमें भले ही वर्ड्स दो लिए, बड़ा वर्ड है बट उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट है। ये हिंट आपको मैंने रेशियो के वक्त दिया था। तो यहां पर भी वही लॉजिक है, आपको 49,000 एज ए परसेंटेज ऑफ 3 लाख लेना है। कितना आता है? 16.3, और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का 15.2 है कि नहीं? देन नेक्स्ट रेशियो इन्होंने पूछा है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? ईबीआईटी। ईबीआईटी क्वेश्चन में रेडीमेड नहीं दिया है क्या? दिया है। देखो आपको जो पीएनएल में इनकम और एक्सपेंस दिए, ये सभी आइटम्स, इसमें कोई भी आइटम नॉन कैश है क्या दोस्तों? नहीं है। तो कैन वी से ये मेरा ईबीआईटी है और ये भी मेरा ईबीआईटी है। तो लो 15,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 3 लाख, 5%। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में आएगा 5.08, सही है क्या दोस्तों? देन नेक्स्ट रेशियो आपको पूछा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है विदाउट देखे? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सी ये एक तरफ नहीं, मैं जानबूझ के चैप्टर के बाद ये सब डिस्कस करता हूं, इसके मल्टीपल रीजन से आपका रिविजन भी हो रहा है। और एमसीक्यू जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सिलेबस के एंड में मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, उस बार में फिर एक और बार रिवीजन होगा अपना, ठीक है? तो मेरे साथ रिवीजन भी किया करो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोलो, फॉर्मूला क्या बोला? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स तो रेडी है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? तीनों आइटम आ जाएंगे, मतलब यहां पर 1 लाख आएगा और यहां पर 1,47,000 आएगा। तो कैसी लीजिए, सेल्स आपका 3 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 1 लाख है, 3 टाइम्स, और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में आएगा 2.54 टाइम्स। करेक्ट है, बराबर है क्या सबका आंसर? देन यू हैव नेक्स्ट एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहां पर बोलो आपको एवरेज स्टॉक दिया है क्या? ओपनिंग दिया है क्या? नहीं दिया ना, दिया है क्या लास्ट में? दिया है, यस, ओपनिंग स्टॉक 2282 का दिया है। तो इसका मतलब 22 के लिए 22 का ओपनिंग और क्लोजिंग, 23 के लिए क्या करेंगे? 22 का क्लोजिंग और 23 का क्लोजिंग ना, ऑब्वियसली 22 का क्लोजिंग ही अगले साल का ओपनिंग बनेगा ना भाई। यस, तो कैसी लो
पहले एवरेज निकालो, मेमोरी में डाल दो उसको, 40,000 प्लस आपका स्टॉक यहां पर है 60,000 डिवाइड बाय 2, 50,000 मेमोरी में डाल दिया। अब COGS कितना है, 2,36,000 है, तो लो कैसी पे 2,36,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 4 पॉइंट कितना रहा है, कैलसी उठा नीचे से, कैलसी उठा कुछ कर जो बोल रहा हूं वो, कितना आ रहा है 4.72। यस, तो नेक्स्ट ईयर का भी मैच हो जाएगा ऑफ कोर्स, 3.87। एनी डाउट, सबको समझ रहा है क्या? ओके ग्रेट, ओपनिंग दिया ना बेटा, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है तुझे, ओपनिंग स्टॉक गिवन इज दिस, ये क्या, ये ओपनिंग स्टॉक तेरे को 22 का दिया हुआ है और यहां पर बैलेंस शीट में तेरे को स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 22 का, और नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा तू, ऑब्वियसली 60 और 94 का एवरेज लेगा ना, समझा? एनी डाउट? ओके, नाउ यू हैव नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, बोलिए नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या? यस दिया है, ये देखो नेट प्रॉफिट है 15,000 लो कैलसी पे, और बोलो नेटवर्थ में क्या इंक्लूड करोगे, सिर्फ कैपिटल एंड रिजर्व्स, तो फर्स्ट ईयर में आएगा 1,00,000, तो कैलसी लो 15% आएगा, 15,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इनटू 100, बट सेकंड ईयर में 19,000 डिवाइडेड बाय कितना होता है टोटल 1,17,000 इनटू 100, 16.24 आया क्या, देखो बराबर आया, मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट इज योर रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, आई विल राइट इट फॉर यू, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, तो मुझे यहां पर सेल्स देना है या क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स देना है, अकाउंट रिसीवेबल मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये देखो रिसीवेबल है मेरे कितने 50,000, लुक एलसी, पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, लुक एलसी सेल्स, क्रेडिट सेल्स लो, क्रेडिट सेल्स कितना है 2,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365, क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं बोला, ले लो 365 ले लो, आपका सेल्स जो है वो है क्रेडिट सेल्स वाला 2,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000, अरे यार मुश्किल है, टू लैख 70,000 डिवाइडेड बाय 365, आपका आंसर 67.6 डेज, एंड दूसरे केस में 87.5 डेज, एवरीवन क्या किया, हाँ ठीक है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तुमने न्यूमरेटर बनाया, तो डिवाइड ही जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर सेम आता है आपका भी, एनी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम है? मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला देखा, बाकी पूरा प्रेजेंटेशन खुद से सॉल्व किया है, वेरी गुड बेटा, सही है। तो गाइज ये पार्ट पर आपको कमेंट भी करना था, इन्होंने बोला गिव द रीजंस फॉर चेंजेस इन द रेशियोस फॉर टू इयर्स, तो देखिए जीपी रेशियो आपका कम हो चुका है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो जो है
वो कम हो चुका है, मगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिट का बढ़ चुका है। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कम हुआ, तो आपका जीपी क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका सीओजीएस बढ़ा था। सीओजीएस बढ़ा हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, जीपी इसलिए कम हुआ बिकॉज सीओजीएस बढ़ा। सीओजीएस बढ़ने के बाद क्या होता है? जीपी कम होता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपका कम हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले, उससे क्या समझता है आपको? आपका सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। फिर आपका नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ बढ़ गया है, नेटवर्थ के मुकाबले नेट प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। गुड और बैड? गुड। एंड आपका कलेक्शन पीरियड क्या हुआ है? बढ़ गया। कलेक्शन पीरियड बढ़ने से पैसा अननेसेसरीली ब्लॉक हो रहा है ना, समझे कि नहीं? एक तरफ से रिसीवेबल्स आपका कलेक्शन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से आपके टर्नओवर रेशियोज कम हो रहे, मतलब समझा कुछ? आपका कलेक्शन लेट आ रहा है, चलो लेट आ रहा है तो बदले में सेल्स ज्यादा होना चाहिए। फिर मैंने किसी को क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया तो उसने मुझे सेल्स दिया, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं कुछ इंटरप्रिटेशन? तो आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो इसलिए सेल्स बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपका सेल्स घट रहा है और आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है, तो वो हमारे कंपनी के लिए एनीवेज अच्छा नहीं है। तो जीपी रेशियो घटना ये अच्छा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ा बट बहुत ही नेग्लिजिबल बढ़ा। आपका टर्नओवर रेशियो घट गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी घट चुका है, ये भी अच्छा नहीं है। दोनों चीजें अच्छी नहीं हमारे लिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो अच्छा होता है ना सर, सीओजीएस कम हुआ है, जितना सीओजीएस घटेगा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेनिंग द सेम, आपका सेल्स भी कम हो रहा है जो अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस कोई बहुत खास है क्या? नहीं है। हमारा कैपेसिटी टू जनरेट सेल इंपैक्टेड है, हमारे टर्नओवर रेशियोज इंपैक्टेड है, तो ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं। लिबरल क्रेडिट पीरियड हम दे रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मैनेजमेंट खराब होते जा रहा है इसका मतलब। तो अब आप सोच रहे होंगे सर वो सब ठीक है, हम लोगों को भी समझा, ये वर्डिंग नहीं आते सर हमको, ये वर्डिंग लाने भी नहीं है आपको, ये वर्डिंग लाने भी नहीं, एग्जैक्ट ऐसी वर्डिंग आने जरूरी नहीं है। ये कोई ऑडिट नहीं है, लॉ नहीं है जो आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो यहाँ पर। इधर कीवर्ड्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जो कीवर्ड्स इधर होते हैं ना वो आपके आपके लिए अभी कॉमा फुल स्टॉप हो गए। के केडी केपी कैपिटल, डेट कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैक ऑफ कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इधर के फाइनेंस के कीवर्ड्स होते हैं। तो आप डरो मत कि आपका यही वर्डिंग आना चाहिए, बट यस जो अपन बात कर रहे हैं वो मीनिंग आना चाहिए, समझे? क्वेश्चन नंबर टू पे आते, सेकेंड क्वेश्चन। एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स ऑफ 8 लाख रुपीज, 50% ऑफ द एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर, मतलब कितना? 4 लाख। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड टू बी 4,80,000, ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 80,000, द गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 4,80,000 का 150% कितना होता है? 7,20,000 विल बी योर सेल्स। लो कैसे 7,50,000 माइनस करो डायरेक्ट कॉस्ट, कितना आया? 2,40,000। ऑल ऑफ यू क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा ना भाई, समझ में आया क्या? क्या किया एक बार फिर से बोलू बोलू, आपके डायरेक्ट कॉस्ट का आपने क्या किया? 150% लिया और उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया, तो ऑब्वियसली सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट करोगे तो जीपी आएगा आपका। फिर आगे उन्होंने बोला आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 80,000, तो वो माइनस क्यों कर लो एक बार। अब उन्होंने बोला आगे बोरोड कैपिटल था, वो बोरोड कैपिटल था 8% से, 4 लाख अगर 8% से बोरो करेंगे तो 32,000 का इंटरेस्ट आएगा आपका, वो भी माइनस कर दो। तो आप ये सब किसमें से माइनस कर रहे हो? ग्रॉस प्रॉफिट में से। 240 बोला ना आपने ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करोगे आप 32,000 का इंटरेस्ट 4 लाख पे 8%, और माइनस करोगे आपका 80,000 का
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख, चेक कर लो एक बार, ऑल ऑफ यू सही है क्या सब चीजें? अरे हाँ, बट यहां तक सही है ना? यस, आगे पढ़ो। द गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, वो तो पढ़ लिया। टैक्स रेट अज्यूम टू बी 50%, जो भी आपके कैसी पे नंबर है माइनस 50% कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 64,000, टैक्स इज 64,000। आगे उन्होंने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। चार चीजें पूछी आपको, तो सबसे पहले देख लीजिए आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन के हद तक हमारे पास ये स्टेटमेंट रेडी है, सब लोग ध्यान दे रहे इधर। अब इस स्टेटमेंट का दिक्कत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ सकता है, कौन सा? ईबीआईटी वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ सकता है, बिकॉज टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है। और फाइनल अवेलेबल नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, पैट वाला। समझे कि नहीं? तो कितने आंसर्स पॉसिबल है? 3। अब आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा नेट प्रॉफिट लेने का, तो इंस्टीट्यूट खुद ही कंफ्यूज है इसके हद तक। नेट प्रॉफिट रेशियो के हद तक इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करता है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट लेता है। टैक्सेशन दिया रहता है तो जनरली उसको आफ्टर टैक्स बना देता है वो, मगर कभी कभी वो लोग पैट भी लेते। तो पॉसिबल आंसर 3 नहीं, लॉजिकली 2 है। कौन से 2 है? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स एक वाला है, और दूसरा है पैट अपॉन सेल्स इंटू 100। एक है ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। कौन सा लिया जाए? दोनों कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, दोनों कंसिडर कर लो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो मॉडल आंसर में कौन सा रहेगा। मेरे मुताबिक तो दोनों रहने चाहिए, और मेरे मुताबिक तो इनफैक्ट अगर इन्होंने स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा रहता तो नो डाउट ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स करते, क्योंकि टैक्सेशन भी दिया है तो ईबीआईटी आफ्टर टैक्स लेना ज्यादा लॉजिकल है। बट अगर ऐसा वर्डिंग नहीं है और ये लोग नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ रहे, तो अपन ने बेटर रहना चाहिए, क्या लेना चाहिए, नेट पैट अपॉन सेल्स इनटू 100। बट क्योंकि ये लोग कंफ्यूज रहते इसलिए अपन जानबूझ के दोनों लेंगे, ठीक है? तो बोलो आप इस इंफॉर्मेशन से कैसी लो। शिवाय माइक में से आवाज क्यों आ रहा है ऐसे कंटिन्यूअसली, ऐसे आवाज आता पीछे भी, बहुत डिस्टर्बेंस है, ठीक है? तो ऐसे केस में आप कैसी लो। सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 2,40,000 था, उसमें से माइनस करो 80,000। बोलो इसको हम ईबीआईटी बोल सकते हैं क्या? यस। क्यों सर? इसमें से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। इसमें से क्या नहीं माइनस किया अपन ने? इंटरेस्ट। क्यों नहीं माइनस किया? ईबीआईटी निकाला था ना बिफोर इंटरेस्ट, इसलिए। समझा? इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो वो तो फाइनेंस कॉस्ट है आपका, समझ में आ रहा है कुछ? इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो वो तो फाइनेंस कॉस्ट है, समझे कि नहीं? तो फिर कैलसी लेकर आप एक काम करो, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो 80,000। कितना हुआ ये? सिर्फ थोड़ा मिसप्रिंट समझ गया रहेगा ना आपको। मैंने तो बोला ना, मैं आपको आंसर के तक तो आप मुझे बोलो भी मत कि ये मिसप्रिंट है, ये मैंने जानबूझ के रखी है ऐसी, और मैंने केयर भी नहीं किया ये, इसको ठीक करने का मैं अगले एडिशन में भी केयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट कभी इस आंसर को देखेगा ही नहीं, फाइनल आंसर देखेगा। बराबर है कि नहीं? गुड। तो आपका 2,40,000 माइनस 80 करने से कितना आएगा? 160 को इनटू 0.1 माइनस 0.5 करेंगे तो आफ्टर टैक्स बन जाएगा 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना है? 7,20,000 इनटू 100, 11.11। ये क्या है मालूम है आपको? एक्चुअली ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेशियो, और अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है इन रियल सेंस तो आपने डायरेक्टली लेना चाहिए 64,000 पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, कितना? 7,20,000 इनटू 100, 8.89, मतलब 90 हो गया, 8.89। समझा? तो आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच में आपने लिखना चाहिए और दोनों तरीके से आंसर निकाल लो। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू यू हैव एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस? ओके। सेकेंड आपको रेशियो पूछा है इन्होंने,
वो था रिटर्न ऑन एसेट्स. अब ऑब्वियसली रिटर्न ऑन एसेट्स बिफोर टैक्स चाहिए कि आफ्टर? आफ्टर टैक्स. क्यों सर? टैक्स का रेट दिया है, टैक्स का रेट दिया है. रिटर्न आफ्टर टैक्स, रिटर्न का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स इज नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. बराबर है कि नहीं? रिटर्न का फॉर्मूला क्या है आपका? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. बट इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? रिटर्न ऑन एसेट्स, इसलिए अपन एसेट्स की बात करेंगे. तो आपके पास टोटल एसेट्स कितने के? उन्होंने बोला, इन्होंने बोला है टोटल एसेट्स आर 8 लाख. नो प्रॉब्लम. अपना डिनोमिनेटर कितना लेंगे अपन? 8 लाख. एंड न्यूमरेटर में ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स, बिकॉज टैक्स रेट इज गिवन. तो बोलो कितना है ईबीआईटी? तो अभी निकाला था अपन ने, 160 शायद ना. यस, 160 इनटू 0.5 डिवाइडेड बाय 8 लाख. 10% आता है आंसर. ऑल ऑफ यू सर, डेज राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या सर? कौन सी डेज आए भाई अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन का? क्या हाँ कर सकते हो, डेज राउंड ऑफ कर सकते हो, बट ज्यादा भी राउंड ऑफ मत करो. 365 ले लो या 360 डेज ले लो. और अगर आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का डेज आप कलेक्शन डेज बोल रहे हो, अगर वो 75.2 आता है तो अपन 75.2 डेज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर अपन बोल सकते हैं से 75 डेज. नाउ तीसरा आपको रेशियो पूछा उन्होंने, एसेट्स टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेट्स टर्नओवर रेशियो? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. डू यू नो टोटल एसेट्स? यस, 8 लाख है. डू यू नो सेल्स? यस, कितना है? 7,20,000. लो डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 0.9 times. आ रहे इजीली आंसर्स, कोई दिक्कत है? अब लास्ट रेशियो आपको पूछा उन्होंने, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी आरओई. आरओई का फॉर्मूला क्या है? एनआई अपॉन इक्विटी इनटू 100. इस क्वेश्चन में आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, है क्या? नहीं है. तो आपके लिए पैट ही आपका एनआई रहेगा. तो आप बोलोगे पैट या फिर एनआई डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी इनटू 100. ओनर्स इक्विटी विल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या बोला? ओनर्स इक्विटी विल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या बोला हमने? तो ये आगे आपका कितना आंसर आता है? 64,000 आपका पैट है, वही आपका एनआई रहेगा. ओनर इक्विटी कितना लिया आपने? 4 लाख. कैसे आएगा? उन्होंने बोला 8 लाख का 50% बोरोड है, इसका मतलब 50% ओनर का फंडिंग रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो फिर 4 लाख लेना पड़ेगा. आपका आंसर आएगा 16%. एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं. इसको मार्क करेंगे आप एलडीआर. कोई हार्ड नहीं है, बट कुछ कुछ आइटम थोड़े हटकर है. पहला हटकर आइटम क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़ते एक बार क्वेश्चन को. एबीसी कंपनी सेल्स प्लंबिंग फिक्स्चर्स ऑन टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30. ये क्या है भाई? 2/10 नेट 30, अंडरलाइन करो उसको, और वहां पर लिखोगे आप 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज. 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज. मतलब क्या होता है सर? टू अट्रैक्ट द डेटर्स व्हाट वी डू, वी गिव देम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट. उससे दो बातें होगी, आपका कलेक्शन जल्दी आएगा जिससे आप यूज कर सकते हो पैसा बिजनेस में, और दूसरी बात इससे एक और फायदा होगा कि आपका रिस्क ऑफ बैड डेट्स कम हो जाएगा. डू यू अग्री?
क्या दो फायदे बोले मैंने, पेमेंट जल्दी आएगा, बिजनेस में यूज होगा, और दूसरा रिस्क ऑफ बैड डेट्स कम हो जाएगा। इस वजह से आप क्या करते हो, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट करते हो। ये वर्डिंग जो हमने अभी अभी लिखी है, एक्चुअली ये वर्डिंग आप मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल में कवर करने वाले हो, मतलब लास्ट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें ये वर्डिंग हम लोग सीखने वाले थे। बट क्योंकि सिलेबस पूरा एफएम है, तो ऑफकोर्स उधर का वर्डिंग इधर भी यूज हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आपको ये पता नहीं था, क्वेश्चनर बुक के थ्रू पता चला। ठीक है, तो आप जब मैं मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ाऊंगा तो आपको ये ऑलरेडी पता है। 2/10 नेट 30 मतलब 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 days, अदरवाइज पे इन 30 days। तो आपका जो क्रेडिटर है वो आपको बोल रहा है 30 days में पैसा दे दो, बट अगर 10 दिन में दिया तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 years आर गिवन टू यू 21, 22, 23। वैसे उस सेंटेंस का कोई काम नहीं था जो ऊपर दिया। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये एसेट साइड है आपका। अकाउंट्स पेएबल, अक्रूअल्स, बैंक टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, ये सब आपके लायबिलिटी साइड दिए। और ये हो गया आपका बैलेंस शीट टैली 14,30,000 पे फर्स्ट ईयर 2021 का। सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है और नेट प्रॉफिट बोलते ये लोग, सेल्स, सीओजीएस और नेट प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने निकाल के दिया नहीं है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के फिगर दिए। सेल्स माइनस सीओजीएस करोगे तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए? नहीं भाई, माइनस करके देख लो आंसर मैच कहां होता है, 8 लाख आना चाहिए। किधर दिख, क्या दिख रहा है, 3 लाख 5 लाख क्या है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो हेड डाउन मैडम। ठीक है, आपको कुछ बातें मैं सिखा रहा हूं वो समझेगी नहीं अकेले में, इसलिए बेटर रहेगा मेरे साथ सीख लो। ये डिफरेंस था आपका 8 लाख, वो है ग्रॉस प्रॉफिट, बट नीचे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट दिया है, क्योंकि वो नंबर सेम नहीं है माइनस करने के बाद आने वाला। नाउ एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 years, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा फर्म। व्हाट इज इंट्रा फर्म? विद इन द सेम फर्म, और इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑब्लिक करके लिख दो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और अगर बिटवीन टू फर्म रहेगा तो इंटर फर्म, जिसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आर देयर एनी प्रॉब्लम्स पूछा उन्होंने, और सीधा आप अगर ऊपर इंफॉर्मेशन देखोगे तो आपको बैलेंस शीट दी है और 3 आइटम ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट दिया है, 3 आइटम ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट दिए और आपको ऊपर बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है। अब ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक रेशियोज ईयर वाइज निकालने पड़ते हैं। तो जो रेशियोज आपको निकालने पड़ेंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के तक, जो रेशियोज आपको इस टिपिकल क्वेश्चन के तक, जहां पे आपको बैलेंस शीट दिए और नीचे रेवेन्यू स्टेटमेंट के कुछ आइटम्स दिए, आपको कुछ रेशियोज निकालने हैं और वो रेशियो सेट ऑफ रेशियोज के नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, वो रेशियोज नहीं देंगे, वो लोग डायरेक्टली यही सेंटेंस देंगे, एनालाइज द परफॉर्मेंस ओवर 3 years। तो क्या करना पड़ेगा उस केस में, ये जो भी रेशियोज आप अभी देख रहे हो क्या होगा, देखो बैलेंस शीट दिया मतलब क्या रेशियोज रहेंगे, करंट रेशियो तो पक्का रहेगा, लिक्विड रेशियो भी रहेगा ही रहेगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए ये सब होता ही है, उसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह रह सकता है, समझे। तो जो रेशियोज इधर से निकल सकते हैं ना, वो रेशियोज निकालने और क्या है, बस आपको वो रेशियोज याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। डू यू नो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, बोलो जरा क्या क्या आता है, बोलो, कैश आएगा, स्टॉक आएगा और अकाउंट रिसीवेबल, कैन वी से ये तीनों करंट एसेट्स। अच्छा करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, अकाउंट्स पेएबल
accruals, bank term loan, नहीं नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट अलग बोल दिया, मतलब ये बैंक टर्म लोन शॉर्ट टर्म है सर, मगर ऐसे कैसे समझेगा? अभी अगर ये लॉन्ग टर्म लोन पढ़कर भी नहीं समझा ना, तो फिर से बाउल भरने का पानी और कूदने की कोशिश करने का उसमें, डूबने की, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट वर्डिंग दिया था, ये तीनों ऊपर के आइटम क्या बन जाएंगे? शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी आइटम। ऑल ऑफ यू टोटल लो जरा, करंट एसेट्स का टोटल लो और उसको डिवाइड करो करंट लायबिलिटी के साथ। तो इसका आंसर आता है करंट एसेट्स का, नहीं नहीं 6,30,000 और करंट लायबिलिटी का 5,30,000। आपका आंसर 1.18 समथिंग आएगा ना, 188 है ना, 188 है ना, आगे तो 19 बोलना फिर, सही है एवरीवन? अब सुनो, इसी सेम तरीके से कैनवी से अगले दो ईयर के भी आ गए। अच्छा सर उधर एवरेज यूज कर सकते हैं क्या? सर आपको लगता है कि एवरेज यूज होना चाहिए कहीं पर? पहली बात तो ये करंट रेशियो, इसमें एवरेज यूज होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर नॉर्मल लॉन्ग टर्म वाले होते ना तो भी यूज नहीं करता मैं, क्योंकि 3 साल का कंपैरिजन करना था अपने को, तो तीनों साल के रेशियो जरूरी थी अपने को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक जगह विदाउट एवरेज और आगे के दो जगह एवरेज चलेगा क्या? ऐसा वो कंपेरेबल बनते हैं क्या? उनका बेस ही कंपेरेबल नहीं है, समझे? अब आपके पास सेकेंड रेशियो जो निकालना है आपको, वो है क्विक रेशियो, जिसका नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं करता, सिर्फ ये दो आइटम आते हैं। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय, अभी जो बोला आपने 6 लाख के, तो 5,30,000 बोला क्या? 5,30,000 बोला था क्या? तो 230 है क्या? 230 डिवाइडेड बाय 530 कितना आएगा? 0.43 आएगा। तो हम अज्यूमिंग कि आगे के दो भी आ जाएंगे, ऑफकोर्स यही सेम लॉजिक से आएंगे ना। देन एसिड टेस्ट रेशियो हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट रेशियो निकालना है आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बिकॉज आपके पास सेल्स का इंफॉर्मेशन रेडी था जिससे डेली सेल्स आ सकते हैं, और डेटर दिया था, डेटर बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो आप क्या निकालोगे? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सर निकाल के कलेक्शन पीरियड निकाल के क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कि हमारा कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कम हो रहा है तो वेरी गुड, अगर बढ़ रहा है तो बैड। समझ में आ रहा है बात? तो सेल्स दिए आपके पास, इसको डिवाइड कर डेली सेल्स आ सकता है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल दिया है, कैसी लो 40 लाख डिवाइडेड बाय 365 मेमोरी प्लस कर दो, और 2 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू करो 18 लिया है, कहता लिया है 18, सबके कैसी पे आया? तो पास आप आया क्या? गुड, फिर से रिपीट करूं क्या? सेल्स है आपका 40 लाख डिवाइडेड बाय 365 करो, मेमोरी प्लस करो, और ऊपर अकाउंट रिसीवेबल दिया है 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 18.25, आप 18 ले लो, से 18 डेज बोल सकते ना आप। ऐसी सेम तरीके से 22 और 27 भी आ जाएगा, 27.8 है, 360 डेज लेके देखो, शायद 360 से लिया होगा उन्होंने, हाँ तो 360 से निकाला उन्होंने, इसका मतलब ठीक ना? नहीं है बोलो, 360 डेज लिया इन्होंने इसका मतलब, ठीक है। तो 360 से ये आंसर बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हो गया। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो फर्स्ट केस में नॉट एप्लीकेबल क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि उसके लिए लास्ट ईयर का ओपनिंग चाहिए ना अपने को,
लास्ट ईयर मतलब 2021 के लिए ओपनिंग ऑफ 2021 मतलब क्लोजिंग ऑफ 2020 वो दिया नहीं है ना आपके पास, समझे, इसीलिए इन्होंने नॉट एप्लीकेबल बोला। और 2022 के लिए क्या किया, 21 एंड 22 का एवरेज स्टॉक लिया। तो बोलो मुझे फॉर्मूला क्या है, COGS, ये रहा COGS डिवाइडेड बाय, ये रहा मतलब इधर का लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा 36 लाख, एंड स्टॉक जो है 4,80,000 और 4,40,000 का एवरेज, सॉरी 4 लाख का एवरेज 440 कैंसिल हो, 36 लाख डिवाइडेड बाय उन दोनों का एवरेज 440 8.18 मतलब 2 लिया उन्होंने, और नेक्स्ट ईयर का आपका 6.1। ऑल ऑफ यू सर 365 लिया तो गलत होगा क्या सर? कैसे गलत होगा बेटा, नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में पहली बात तो दिए रहते, नहीं दिए रहेंगे तो ऑब्वियसली तुम 365 या 360 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं दे सकता उसके लिए आपको। नाउ इसके बाद टोटल डेट टू नेटवर्थ बोला उन्होंने, टोटल डेट टू नेटवर्थ ध्यान से सुनो भाई, ये थोड़ा सा लेस यूज्ड रेशियो है, लेस यूज्ड रेशियो समझता, पूरा रेशियो एनालिसिस अपन ने रेगुलर नोट से सॉल्व किया, टोटल डेट टू नेटवर्थ कभी सॉल्व नहीं किया, बट इन्होंने लिया है। किस लिए लिया है भाई, कि अपने नेटवर्थ के पैसों के सामने डेट के पैसे कितने वो देखने के लिए, कोई बात नहीं। टोटल डेट समझता क्या, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड एज टोटल डेट, एंड नेटवर्थ समझता क्या, नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल ऑफ यू। तो टोटल डेट के लिए अकाउंट्स पेबल शॉर्ट टर्म है, एक्रुअल शॉर्ट टर्म है, बैंक टर्म लोन शॉर्ट टर्म है, और ये लॉन्ग टर्म है, इन चारों का टोटल 8,30,000, एंड इन दोनों का टोटल 6 लाख, कैंसिल हो 8,30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख 1.38। तो इस रेशियो से आपने क्या सीखा, कि जब हम टोटल डेट बोलते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आते हैं, और शॉर्ट टर्म जब हम बोलते हैं तो करंट लायबिलिटी के सभी आइटम्स आएंगे ऑफ कोर्स, और उसी तरीके से 1.4 भी आएगा और 1.61 भी आएगा, एनी डाउट? ठीक है, तो कैनवी से ये पहला आइटम था जो हटकर मिला, पहला आइटम था जो आपको पता नहीं था, थोड़ा अलग था। ठीक है, नेक्स्ट इसको स्टार मार्क किया, स्टार मार्क किया गया इसको, क्या हुआ कॉमन स्टॉक, मैं जब समझा था तब तो अपन बाजू वाले से बात करते रहेंगे, फिर जब रीड कर रहा था क्वेश्चन तभी बोला मैंने कॉमन स्टॉक क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कॉमन स्टॉक तेरे जानकारी के लिए बोल रहा हूं, यहां पर सिर्फ डायरेक्टली नहीं आया, अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, एक नहीं अब तक दो जगह लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी एक जगह लिखा हुआ है और रेशियो में भी एक जगह लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म डेट तो अपने को पता है, टोटल कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं, पूरा लॉन्ग टर्म, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जितना कैपिटल तेरे पास आया, इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलोगे, लिख दो उधर। टोटल कैपिटलाइजेशन मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। तो यहां पर आपका लॉन्ग टर्म डेट दिख रहा है क्या, कितना है 3 लाख, जबकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में कैन वी से ओनर फंड एज वेल एज डेट फंड दोनों आएंगे, तो कैन वी से 3 लाख आएगा, 1 लाख आएगा और 5 लाख भी आएगा, 9 लाख आएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख कितना आएगा 0.33,
एंड सेम पॉइंट 32 और पॉइंट 32 आएगा आगे, तो अलग चीज थी ये। इसको आप बाय द वे इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, आप इसको डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी बोल सकते हैं। कौन सा रेशियो निकाला आपने? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। बोलो 9 लाख क्या था? डेट प्लस इक्विटी तो था, समझे कि नहीं सर? मगर ये वर्डिंग ही जरूरी है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट है क्या आपके पास? नहीं। सेल्स है, सीओजीएस है, निकाल लो 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 20%। तो अगला 16.3 और अगला 13.2। एवरीवन आ गया आंसर? फिर से बोलू एक बार, सेल्स माइनस सीओजीएस करो, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करो। सेल्स सीओजीएस दोनों दिया हुआ है 40 और 32। 8 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 40 लाख का सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट रेशियो आपका एनपी रेशियो है, आपके पास एनपी अमाउंट दिया है क्या? 3 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 कितना होगा? पॉइंट 7.5। अगला 4.7 और अगला 2.6। आ रहे आंसर्स? अपने अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेटर पर अगर आएंगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो गए। अगर सॉल्व कर कर अब आ रहे हैं और गलतियां करेक्शन कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपको बोलता हूं गलती से भी फेल नहीं होने वाले हो आप। अगर आपने घर से नोटबुक में सॉल्व किया रहेगा मेरे साथ, अभी समझ रहा है एक आधा इनमें से कोई गलत गया, दो गलत गए, तीन गलत गए, बाकी सब करेक्ट है, और आप उसे करेक्शन मेरे साथ अभी कर रहे हो रेड पेन से, मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन पे हो। एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे कि आप आपके नोटबुक में सॉल्व करके लाओ और यहां डिस्कशन के बाद आपके नोटबुक में करेक्शन करो विथ रेड पेन। नेक्स्ट, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स रेडी है? यस, 40 लाख। टोटल एसेट्स रेडी है? फोर कितना है? 14 लाख 30। 14 लाख 30 लो कैसी 2.8 आ गया, 799 समथिंग रहेगा ना सर? इधर जीपी टाइम्स में क्यों दिया है? कोई टेंशन मत ले, जीपी टाइम्स में दिया रहेगा तो इंटू 100 करके रेशियो परसेंटेज में रख। एनपी रेशियो भी तो उन्होंने वैसे ही दिया है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको परसेंटेज में निकालना है। नेक्स्ट, मैं जानबूझ के उसके उनके आंसर वैसे ही रखो ताकि आपकी नजर में मेरी इज्जत और बढ़े, है ना? थैंक यू। नाउ रिटर्न्स ऑन एसेट्स गाइस, रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए आपके पास टोटल एसेट्स रेडी है और रिटर्न के लिए आप क्या लोगे? हाँ, नेट प्रॉफिट। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 3 लाख दिया है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 14,30,000 इंटू 100 किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कितना आएगा? 0.21। इसको इंटू 100 कर दो, 21%। रिटर्न्स जनरली परसेंटेज में होते हैं तो इंटू 100 कर दो आप, 21% आया। तो हम अज्यूमिंग के आगे के नंबर्स भी आ रहे हैं। चलो इस पर कमेंट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? करंट रेशियो आपका मोर और लेस वहीं पर है, मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आपकी हिली है क्या? नहीं। आपका एसिड टेस्ट रेशियो भी मार्जिनली कम हुआ है, ठीक है। आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का बैंड बच चुका है, क्यों बढ़ रहा है? आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ने से आपका पैसा डेटर्स में ज्यादा ब्लॉक होगा, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका घट गया है। गुड और बैड? बैड, क्योंकि सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी आपका कम हो गया यूजिंग स्टॉक। आपका डेट टू नेटवर्थ बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है इसका मतलब नेटवर्थ के मुकाबले रिस्क क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन आपका लगभग वहीं पर मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब टोटल पैसों के सामने डेट के पैसे लगभग सेम रखा है आपने। भले नेटवर्थ के सामने डेट के पैसे बढ़े बट ओवरऑल पैसों के सामने डेट के पैसे सेम है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका घट चुका है, गुड और बैड? बैड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके डायरेक्ट वाले बढ़ रहे, इसका मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो आपका घट रहा है,
बैड क्यों बैड है? अरे बाबा तेरा जीपी रेशियो घट रहा है, तेरा एनपी रेशियो घट रहा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो तुम्हारा कम हो रहा है, मतलब ना तुम प्रॉफिट बढ़ा पा रहे हो ना तुम सेल्स बढ़ा पा रहे हो, और लास्ट में रिटर्न्स ऑन एसेट्स भी कम 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 हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है तो तुम्हारा रिटर्न ऑन एसेट्स भी कम ही होने रहा है, ये भी बैड है फिर, समझा? ये जो भी किया ये कौन सा कंपैरिजन था, इंटर या इंट्रा? इंट्रा है, सेम कंपनी है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दिस कैन बी योर एमसीक्यू इन द एग्जामिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन गाइस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दिस कंपनीज विथ वेरियस रेशियोज रिलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू। अब भाई ये बन गया इंटर फर्म, लिख दो उधर, इंडस्ट्री के साथ बोल रहे हैं ना वो लोग, तो यहां पर आप बोल दोगे इंटर फर्म, और यहां के एनालिसिस को हम बुलाएंगे वर्टिकल एनालिसिस, दिस इज अनदर नेम फॉर इंटर फर्म। सर रिटर्न्स ऑन एसेट्स में, पिछले वाले रेशियो की बात कर रहा है वो, रिटर्न ऑन एसेट्स में ईबीआईटी लेना है या पैट लेना है? बेटा ईबीआईटी कैसे ले पाएगा तू? तेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है वो दिया नहीं है ना, समझा कि नहीं? गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चनर के क्वेश्चंस मुझे पूछो ही मत पर्सनली, इधर डिस्कशन के वक्त पूछो ताकि सबके साथ वो डाउट्स क्लियर हो। तो फ्रेंड्स व्हाट ही इज सेइंग कि हमने अभी रिटर्न ऑन एसेट्स निकाला, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालते वक्त आपने पैट लिया, ये लिया ना नेट प्रॉफिट, पैट भी नहीं हो नेट प्रॉफिट है, ये लिया, जबकि फॉर्मूला क्या यूज होता है? ईबीआईटी। बट ईबीआईटी यहां यूज नहीं किया मैंने, बिकॉज मेरे पास ईबीआईटी का इंफॉर्मेशन नहीं था, सेल्स था, सीओजीएस था, माइनस करोगे जीपी आएगा, और जीपी से डायरेक्ट एनपी दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट कितना लेस हुआ है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो बेटर रहेगा मैं डायरेक्टली उसे नेट प्रॉफिट बुलाऊं, ईबीआईटी बुलाने से अच्छा मैं उसे नेट प्रॉफिट बुलाऊं। एज पर ऑल रेशियोज वी कंक्लूड दैट द फर्म इज एंट गुड इन पोजिशन एज देयर प्रॉफिट आर डाउन एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंसिस, इट शोज दैट द फर्म नियर्स टू लिक्विडेशन पोजिशन। ओ माई गॉड, बहुत हार्श वर्डिंग यूज कर लिया भाई, लिक्विडेशन पोजिशन जैसा नहीं है हालत, क्योंकि करंट रेशियो अभी भी स्ट्रांग है, 1.2 इतना भी बुरा नहीं होता है, लिक्विडेशन तो बोल सकते जब 0.5 वगैरह रहेगा, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन में था ना, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ रेगुलर नोट्स, 4 साल का डेटा दिया था, चौथे साल में आपका करंट रेशियो 0.5 हो गया था, वो आप बोल सकते हो नियर लिक्विडेशन है, अदरवाइज आप बोलोगे थोड़ा सा कंपनी सुधर सकता है, बेटर बन सकता है, सेल्स बढ़ा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, सेल्स ज्यादा बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाकर आपका कॉस्ट कम होता है पर यूनिट कॉस्ट, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। चलिए अब यहां पर इन्होंने बोला है अप्रेज योर कमेंट्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दिस कंपनी कंपेयर्ड टू द रेशियोज, रेशियोज विद द गिवन इंडस्ट्री रेशियोज नॉर्म्स। तो आपके पास आपकी कंपनी के फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, ये फिक्स एसेट्स आना चाहिए इधर, कैश दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर होना चाहिए, 10% डिवेंचर्स एक साथ होना चाहिए, करेक्शन करते जाओ जल्दी जल्दी, रोते मत जाओ। देन अदर करंट लायबिलिटी का अमाउंट ये है आपके पास, क्रेडिटर्स का अमाउंट आपके पास स्ट्रेट दिया हुआ है सामने 8,80,000, बिल्स पेबल का अमाउंट आपका 4,40,000, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं आप ये सब, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको याद रखना पड़ेगा कौन से रेशियोज निकालने, और वो रेशियोज आपको अकॉर्डिंगली निकाल कर आना एग्जाम में, बट ऐसे रेशियोज यहां पर निकालने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इंडस्ट्री नॉर्म के जो रेशियोज बोले हैं आप ऐसे समझ लो बाजू में आपको फर्म वाला कॉलम रेडी करना है, और आपके फर्म के यही रेशियोज निकालने हैं,
और उसी के बेसिस पर आपको कमेंट करना है। तो अब यहां पर क्या रेशियो दिए इन्होंने, करंट रेशियो बोला है। करंट रेशियो आप भी निकाल सकते हो। करंट रेशियो के लिए आप ले लोगे कैश, डेटर, स्टॉक, तीन आइटम करंट एसेट्स के। एंड करंट लायबिलिटी के लिए आप ले लोगे तीन आइटम लास्ट के, 6,60,000 का अदर करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,80,000 का, और बिल्स पेबल 4,40,000 का। एडिशन करके डिवाइड करो, एडिशन करके डिवाइड करो, फोर कितना, 5.7. कोई बोल रहा है 4 point समथिंग, कोई बोल रहा है 2 point, अच्छा हाँ 2.67, यहां पर लिख रहा हूं मैं 2.67, ठीक है। सबका आंसर आया क्या? अब करंट रेशियो निकालने के बाद इन्होंने क्या रेशियो निकालने, वो इंडस्ट्री का रेशियो दिया है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्रेडिट सेल्स या सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स। तो आपके पास सेल्स रेडी है क्या, कितना है 1,10,00,000। डेटर्स रेडी है क्या, 11,00,000। कितना आंसर आता है, 10 times। तो यहां पर मैं बोलो 10 times, ये मेरा फर्म है इधर, ठीक है। आया क्या सबका आंसर? फिर उसके बाद नेक्स्ट रेशियो इन्होंने बोला बेस्ड ऑन सेल्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बोलिए फॉर्मूला इन्होंने क्या बोला यूज करने, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो मेरे पास सेल्स रेडी है, यस सेल्स 1,10,00,000 रेडी है। एवरेज स्टॉक रेडी है क्या? नहीं, मेरे पास क्लोजिंग को ही ओपनिंग मानना पड़ेगा। तो ऐसा एक नोट आएगा, अजम्पशन आएगा, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज। लुक एट सी, 1,10,00,000 डिवाइडेड बाय 33 lakhs, 3.3333 आया है। इंडस्ट्री का तो देखो कितना है, 9 है। अपने को शर्म आना चाहिए क्या? इंडस्ट्री को शर्म आना चाहिए अपने को, क्यों? क्योंकि टर्नओवर रेशियोस कभी भी ज्यादा चाहिए। आर यू विद मी नाउ? एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोला इन्होंने। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेट्स टर्नओवर रेशियो? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने हैं, 77 lakhs। सेल्स कितना है, 1,10,00,000। 1,10,00,000 डिवाइड बाय 77 lakh, 1.43। यार बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इंडस्ट्री 2 times है और अपने पास 1.43 times है, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बोलो, लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट लेंगे 2.31 डिवाइडेड बाय 1,10,00,000। 2,31,00,000 डिवाइड बाय 1,10,00,000 इंटू 100 कितना आएगा, 2.10। सबका आंसर? ये भी खराब है यार, सभी खराब है शायद। फिर तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, डबल एस हो गया वो, सिंगल एस कट कर दो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। बोलो फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। सो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, 2,31,000 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कितना है, 77 lakhs इनटू 100 कितना आएगा, 3%। इंडस्ट्री का कितना है, 7%। एंड देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। बोलिए फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इनटू 100। बोलिए नेट प्रॉफिट कितना, 2,31,000। नेटवर्थ कितना रहेगा? तो नेटवर्थ के लिए आई विल टेक दिस नंबर्स, शेयर कैपिटल। डिबेंचर लू क्या? नहीं लूंगा, सिर्फ शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल। कितना आएगा, 4.81%। इंडस्ट्री का है 10.5%। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने के, 77 lakh के। टोटल डेट कितने का है, कितने का है, 29 कैसे हुआ, टोटल डेट बोला ना। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, टोटल डेट बोला इसलिए। एवरीवन, लॉन्ग टर्म डेट बोलता ना तो सिर्फ
920,000 आता एवरीवन, तो फिर आपका आंसर 37.666%। तो भाई ऐसे सिचुएशन में वी विल से कि हमारी सब जगह बैंड बजी है, सिर्फ एक जगह छोड़ा तो कौन सा, लास्ट लास्ट वाला और ऊपर करंट रेशियो, दो ही जगह अच्छा है। करंट रेशियो अच्छा है बिकॉज हमारे इंडस्ट्री के पास 2.5 टाइम्स है, तो अपने पास उससे भी ज्यादा है। और यहाँ पर टोटल डेट का इंडस्ट्री के पास जो है 60% है, अपने पास 37.66% है। तो अपने थोड़ा रिस्क जो है कम लिया है, बट सब जगह रिटर्न्स भी तो कम मिले। आपका टर्नओवर रेशियो घटी है, आपके रिटर्न्स के रेशियो कम है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बैंड बजी है। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे इंडस्ट्री के मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस ओवरऑल कम है, सिर्फ रिस्क हमने कम रखा है, बाकी सब जगह हमारा परफॉर्मेंस उनसे कम है। समझ गए? फिफ्थ क्वेश्चन, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है क्या सर? यस ऑफ कोर्स, रेशियो इंडस्ट्री फर्म, पहले कैलकुलेट कर लो फर्म का, फिर डायरेक्ट टेबल बना दो ताकि आप इजीली कमेंट कर सको। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, कितने क्वेश्चन है भाई, 14 है सिर्फ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट फॉर अ फर्म आर 6,40,000, इट हैज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15%, करंट रेशियो ऑफ 2.5 टाइम्स, देन दे आर सेइंग द फर्म्स करंट लायबिलिटीज आर 96,000, इन्वेंटरी इज 48,000, कैश इज 16,000, डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंटरी टू बी कैरिड बाय द फर्म इफ द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड, अज्यूम 360 डेज अ ईयर। ऐसा एक सेम क्वेश्चन अपने सॉल्व किया था, याद होगा तो आपको, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की जगह सब वहां पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो था। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेम मेंटेन करना है जितना लास्ट ईयर का है, बताओ सेल्स कितना होना चाहिए। यहां पर इन्होंने बोला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स का है, बताओ इन्वेंटरी कितना होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, करेक्ट। कितना रेशियो मेंटेन करना है, 5 का। COGS निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, आपके पास सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, तो सेल्स लो कैसे पे 6,40,000, माइनस करो 15% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 5,44,000, और आपका 5,44,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इन्वेंटरी आ जाएगा। कैसे सर, 5 क्यों कर रहे हैं सर, फॉर्मूला पुट अप करके देख लो, 5,44,000 बोला ना, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5, ऑब्वियसली ये एवरेज स्टॉक उधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, आपका आंसर 1,08,800 आएगा, नीचे भी वही है। सही है क्या आंसर, इनका आंसर सही है क्या, यस। देन सेकंड पार्ट सेज डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज इंटेंडेड टू बी 80,000, ओपनिंग बैलेंस क्यों दिया हुआ है एवरेज डेटर्स के लिए, बोलो फॉर्मूला क्या है अकाउंट्स का, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, अगर आपको डेज भी निकालना है तो, इन्होंने क्वेश्चन में 360 डेज दिया तो ऑब्वियसली पर डे लेना है, सही है कि नहीं, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा, आपके पास 6,40,000 है आपका सेल्स, कैंसिल हो पहले, 6,40,000 को डिवाइडेड बाय 360 डेज करो, जो आंसर आएगा मेमोरी प्लस कर दो। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के लिए आपके पास अभी का अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया है, निकालना पड़ेगा, ओह नो, फिर तो एक काम करेंगे, करंट रेशियो यूज करो और पहले करंट एसेट्स निकालो, करंट लायबिलिटी कितना है 96,000 है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान दो, एवरीवन फोकस हियर, इधर ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, करंट रेशियो कितना दिया है 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय कितना 96,000,
देयरफॉर करंट एसेट्स इज 2,40,000। अब इसीलिए आपका आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आएगा 2.4 लाख माइनस 48,000 माइनस 16,000 ऑल ऑफ यू 1,76,000 का आपका रिसीवेबल आया। कैलसी लो अभी 1,76,000 प्लस ओपनिंग कितना दिया है 80,000 बोला है डिवाइड बाय 2 करो इसका आंसर 1,28,000 आया डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कितना आया था 1,778 इज इक्वल टू 72 days ऑल ऑफ यू 72 days इनका भी सेम है। इज दिस इजी इज दिस इजी 1,778 क्या था सर वो जो पहले आपको कैलसी पे मेमोरी कर प्लस करने बोला था वो क्या था सर सेल्स डिवाइडेड बाय 360 एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स था वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इजी है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन The capital structure of this company is given to you. Equity share capital, preference share capital, total amount. Additional information is profit after 35% tax is 2,70,000. Depreciation is 60,000. Equity dividend paid 20%. Obviously on 10 rupees, matlab 2, kita hoga? 2 rupees hoga? 2 rupees. Market price per share is 40. Sahi hai kya? Kya bol rahi hai? Surbhi Priya. सर ये फॉर्मूले का लॉजिक रिवाइज करा दो ना एक बार। कौन से फॉर्मूले का लॉजिक कौन सा फॉर्मूला है अब तुम्हारे पास एक बैकअप है तुम लाइव स्ट्रीम में हो तुम्हारे पास बैकअप भी है तुमको जो फॉर्मूलास का लॉजिक नहीं याद आ रहा है एक बार जाके उधर जाके एग्जैक्टली वो फॉर्मूला देख लो। वैसे भी एक ही लेक्चर में सभी फॉर्मूले समझाए थे मैंने। बोलो मार्केट प्राइस पर शेयर 40 है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग शोइंग द नेसेसरी वर्किंग डिविडेंड यील्ड मैंने आपको एक हिंट दिया था फॉर्मुलेज रिवाइज समझाते हुए यील्ड बोला जब जब तब आपका इन्वेस्टमेंट आता है आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू करते हो या मार्केट वैल्यू इसका मतलब क्या लोगे आप 40 यील्ड जब जब निकालोगे क्या लोगे 40 अब डिविडेंड यील्ड कौन सा है डिविडेंड वाला है तो फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 क्यों हो रहा है सर बिकॉज वो यील्ड है यील्ड तो परसेंटेज रहेगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 बट सर 2 कहां से है 10 का 20% करेक्ट कभी भी याद रखो डिविडेंड पेड इज ऑन फेस वैल्यू तो कितना आता है आंसर 5% इनका भी वही है यस कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड ये क्या होता है कवरेज रेशियो बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों जो अमाउंट दे रहे हो वो किस अमाउंट में से देते हो वो देखना होता है और वो जो अमाउंट जिसमें से दिया जा रहा है वो न्यूमरेटर है और जो पे करना है वो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर वाला अमाउंट पे करने के लिए न्यूमरेटर वाला कितना अमाउंट अवेलेबल है वो निकाल रहे हैं फिर से टाइम्स में रहेगा तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो जो है उसके लिए PAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड करना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ PAT और इक्विटी डिविडेंड के लिए क्या करेंगे NI अपॉन इक्विटी डिविडेंड करेंगे क्योंकि आप NI में से डिविडेंड पे करते हो नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से सो विद दैट लॉजिक डू यू हैव योर PAT रेडी विद यू 2,70,000 एंड कैन यू कैलकुलेट योर इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड 9% 27,000 डिवाइड बाय 2,70,000 डिवाइडेड बाय 27,000 ऑल ऑफ यू 10 टाइम्स आंसर आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 टाइम्स जितना पैसा देना उससे 10 गुना अवेलेबल है गुड और बैड ऑफ कोर्स गुड एंड इक्विटी डिविडेंड के लिए क्या करेंगे एक काम करो इस 2,70,000 में से 27 माइनस कर दो एनआई आ जाएगा कितना
243,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर दो है ना, एंड कितने शेयर्स है 80,000 है, तो 1,60,000 आपको इक्विटी डिविडेंड पे करना पड़ेगा। आपका आंसर 1.52 है क्या, 1.52 टाइम्स कैसे आया वो 1,60,80,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पर शेयर दो रुपया डिविडेंड। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? नाउ ईपीएस निकालने बोल रहे हैं, ऑलरेडी आपने एनआई निकाला था, 2,43,000 को डिवाइडेड बाय 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, 3.04 आपका ईपीएस आ जाएगा। एंड लास्टली पी रेशियो बोल रहे हैं, जिसमें ईपीएस रेडी है, एमपीएस क्वेश्चन में छपा है, तो हम बोलेंगे एमपीएस 40 डिवाइडेड बाय ईपीएस 3.04, योर आंसर इज 13.16 क्या टाइम्स, वेरी वेरी गुड। इनके आंसर मैच हुए क्या, 10 टाइम्स 1.52 ये भी और ये भी करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ, आपके पास सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है जीपी 15% ऑफ सेल्स, एनपी 8% ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। आपको वर्क्स कॉस्ट समझता क्या, कॉस्टिंग आता है ना आपको, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, वही फैक्ट्री कॉस्ट पूरा, वर्क्स कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट एक ही होता है, बराबर ना। देन डायरेक्ट वेजेस इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 मंथ्स यूसेज बोला उन्होंने, दैट इज द बेसिस फॉर रॉ मटेरियल स्टॉक। कितने महीने का स्टॉक अपन लोग रॉ मटेरियल का रखते हैं, 3 महीने का। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, डेट्स कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स इज 1:3, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स इज 13:11, करंट रेशियो इज 2:1, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटी इज 2:1, एंड कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस इज 1:4। समझाइए क्या क्या रेशियोज दिए, समझे? Then they are saying, if value of fixed assets on 31st of March 23 amounted to 26 lakhs, किस चीज का value है वो? Fixed assets का, तो फिर prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and the balance sheet on 31st March 2023. तो ऐसे केस में आपके पास fixed assets दिया है, तो क्या निकलेगा? Sales निकलेगा, current assets भी निकलेगा। एक बार करंट एसेट्स आ गया तो करंट रेशियो से करंट लायबिलिटी निकाल लोगे आप, फिर करंट लायबिलिटी रेडी है तो लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे और आपके पास कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा, वो तो लास्ट में लेना पड़ेगा। एक काम करो, सेल्स आ गया है तो सेल्स का 15% जीपी आएगा, सेल्स का 8% वापस नेट प्रॉफिट आएगा, करेक्ट? अब आप बोलो सेल्स में से जीपी लेस करोगे तो सीओजीएस आएगा, अब सीओजीएस आने के बाद क्या करोगे आप? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके सीओजीएस आएगा, कैन वी से उस सीओजीएस में वर्क्स कॉस्ट सेम है, सीओजीएस वर्क्स कॉस्ट सेम है, क्यों? क्योंकि और कोई एक्सपेंस दिया नहीं है आपके पास, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट अगर आ गया तो 20% लोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, 10% लोगे तो डायरेक्ट वेजेस आएंगे। अब बोलो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, वेजेस आ गया, स्टॉक ऑफ मटेरियल कैसे आएगा? पूरे साल का इन्वेंटरी कंज्यूम रेडी है अपने पास, उसको डिवाइडेड बाय 12:3 करेंगे तो स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक होता है वो, क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। और वर्क्स कॉस्ट का 6% ले लोगे तो आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, करेक्ट है क्या? आपके पास सेल्स रेडी है ना, उसको डिवाइडेड बाय 360 करो और इनटू 60 कर दो, आपका डेटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डेटर। आई रिपीट, डेटर कैसे आएगा? सेल्स को डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 करेंगे ऑल ऑफ यू,
आ जाओ स्क्रीन में आ जाओ थोड़ा सा. सो हियर वी हैव विद अस हर्षिता. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन शी क्लियर सीए इंटरमीडिएट. भाई फाइनल क्लियर है भाई. चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मेनी कांग्रेचुलेशंस. मेनी कांग्रेचुलेशंस. सो प्राउड ऑफ. और हर्षिता वाज विथ अस फ्रॉम फाउंडेशन टिल फाइनल. एंड बिलीव मी रिजल्ट के दिन सुबह मैंने अपने फोन में उसका नाम एडिट करके पहले ही बना दिया था सीए हर्षिता. और जिस वक्त उसका कॉल आया मैंने कॉल के वक्त ही स्क्रीनशॉट शेयर करके उसको बोला देख 9 सेकंड हुए अपने कॉल को और अभी देख मैंने तेरे को क्या भेजा है. तो दैट वाज द कॉन्फिडेंस आई वाज हैविंग ऑन हर. सो हर्षिता हार्डली 3 से 4 लाइन या 5 लाइन में इनको आपको कुछ एडवाइस देना है. ठीक है. कोई नहीं लाइन लाइन का रेस्ट्रिक्शन थोड़ा हटा देते बट एकदम जबरदस्त एडवाइस चाहिए. हेलो एवरीवन. तो आप सब लोगों को ये बहुत बड़ी स्माइल मेरे फेस पे दिख रही होगी एंड बिलीव मी ये जो स्माइल है ये आप लोगों के पेरेंट्स के पास आपके जितने टीचर्स हैं जितने भी लोगों ने आपकी हेल्प की है ना आप ये सबके फेस पे ये स्माइल ला सकते हो. दिस जस्ट 4 or 5 years यू हैव टू वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्थ इट. And matlab I remember I've always dreamt I used to sit in on this bench every time and there would be students who are coming and you know trying jo bhi CA clear ho gaya CA final CA inter they used to come and get, talk something and I always wanted to stand here next to sir and today I am here. This is the best thing. I will say something on your behalf. तो इनका आजकल एक नया प्रॉब्लम है जो तुम्हारे वक्त एक्चुअली हमको फॉर्चुनेटली नहीं मिलता था कि तुम्हारे बैच के वक्त अगर स्टार्टिंग में 100 लोग रहते थे तो एंड तक हार्डली वो 85 तक जाता था. अभी 100 लोग है तो एंड में 60 या 55 जा रहा है. ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा 55% क्राउड 60% क्राउड है. और ये जो गायब होते इट इज बिकॉज ऑफ दैट वेरी सुपीरियर रीजन कॉल्ड बीकॉम. ओके. तो उसके बाद ये गायब भी हो जाते. फिर ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते और अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं भी किया तो ये लोग फिर रिकॉर्डेड देखते और रिकॉर्डेड नहीं देखा तो ये अगली बार फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते. तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इट्स ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सेंटिज्म. रूट कॉज क्या है? एब्सेंटिज्म. समझा कि नहीं? तो हर्षिता हाउ डिड यू मैनेज एवरी डे कमिंग हियर? शी यूज्ड टू स्टे राइट नेक्स्ट टू प्रेस्टीज पॉइंट. लिसन टू हर rightly exam usko sunna wo kahan rehti thi. so i was classes kitne baje shuru hoti thi wo bhi bolo. ha to basically main dehu road side rehti hu which is like next to lonavala se half an hour lagta hai. to class ka timing used to be 7 and vinod sir ka tha ki 7 ke baad tum aaoge then you cannot enter the class basically. so and this was during inter to and during foundation the thing was ki dopahar ki there were no local trains to come from Dehu Road to Pune. to mere paas option tha ki ya to main like if I come by 9 or 10 ka train it has to be like full of rush. so I used to leave home at 6 every day and 6 se then I used to reach office by 7 and nobody from my family knew that I am coming early to the class. I used to come at 7. maine library ka admission le rakha tha. till 1 o'clock I used to sit in the library study join have lunch join class. And I secured AIR32 in foundation only because of this one reason. To miss like जैसे सर बोल रहे कि वो 55% के crowd आ गया
आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने दो दिन से ज्यादा कभी भी क्लास की छुट्टी अब तक तो की होगी, एंड इवन ड्यूरिंग फाइनल, बिकॉज आई न्यू घर से होने ही नहीं वाला, तुम कुछ भी कर लो घर से होने ही नहीं वाला, तो बिकॉज आई न्यू दिस वॉज द सेम केस विथ मी फॉर फाइनल, आई वॉज डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम मुंबई, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट आई अटेंड लेक्चर्स कहीं पर भी जाके, सो ऑलमोस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल आई हैव डन सेल्फ स्टडी, बिकॉज एंड इट गेट्स रियली डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट हैव अ टीचर नेक्स्ट टू यू. What motivates you every day to come to class when you were a student? क्या आपका motivation था जब आपको लगता था ठंडी के दिन है, आपको लगता था कि आप इतने दूर से आ रहे हो और आपको आने के लिए कम से कम यहाँ पर 7 बजे पहुंचना है, तो कितने बजे निकलना पड़ता था, कितने बजे उठना पड़ता था, तो आपका एक वन लाइनर मोटिवेशन चाहिए मुझे. मार्कशीट पे फेल देखना किसी को भी पसंद नहीं है, सिंपल, वो तुम कितनी भी बार कुछ भी कर लो मार्कशीट पे फेल देखोगे एवरीथिंग इज गोइंग टू शैटर इन फ्रंट ऑफ यू. तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ऐसे देखेंगे जितने लोगों ने एफर्ट्स डाले होंगे इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ, तुम वो नहीं देख पाओगे एंड तभी रिग्रेट करोगे, दैट वॉन्ट हेल्प यू. तो मेरा मोबाइल का वॉलपेपर ड्यूरिंग वो लीव के टाइम था, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच बेटर दैन द पेन ऑफ रिग्रेट. तो आज तुम्हारे पास टाइम है, मतलब अभी थोड़े दिन ही करना है तो 5:20 का ट्रेन होता था लोनावला से, तो आई यूज्ड टू लीव हाउस बाय 5, तो अगर 5 बजे निकलना है रेडी वगैरह होके तुम लंच टिफिन वगैरह ले लो तो 4:30 तक आई यूज्ड टू गेट अप ट्रेन में बैठ के रीड, बिकॉज घर जाके मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था, यूज्ड टू रीच होम एट 8:39 रात को, एंड तब तक इतना ड्रेन हो जाते हो दैट यू डोंट इवन वॉन्ट टू चेंज योर क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड. तो सो जितना होता था सुबह ट्रेन में हो गया तो फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में आके, एंड इट इज ऑल वर्थ इट टुडे. भाई प्रेस्टीज के बाजू में रहने वालों, अरे सर हमारी जिंदगी, सर आपको तो पता है सर. अच्छा हर्षिता, हम लोग आपके वक्त संडे को क्लासेस लेते थे क्या? एवरी संडे पूरा प्रेस्टीज बंद होता था, बट हम लोग हर संडे क्लास के लिए आते थे एंड क्या बोला उसने, पूरा प्रेस्टीज बंद रहता था मगर हम क्लासेस के लिए आते थे, क्योंकि 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 अपन लोग क्लास लेते हैं, अपनी बैचेस अपन पोस्टपोन नहीं होने देते ताकि आपका स्टडी लीव का पूरा समय आपको मिले. अदरवाइज संडे, मैंने बोला वैसी बात है, इवन एवरीबडी वॉन्ट्स टू एंजॉय संडे, इवन आई हैव फैमिली, सो ऑब्वियसली हम भी एंजॉय कर सकते थे, बट वो जो आपका क्रूशियल टाइम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होता है. बिलीव मी ये पीरियड में हम खुद को बीमार गिरना अलाउ नहीं करते जस्ट बिकॉज आपका बैच पोस्टपोन ना हो. तो कुछ अगर बहुत ही टेस्टी खाना रहेगा या ठंडा कुछ एकदम पीना रहेगा खाना रहेगा, बिल्कुल नहीं होता है. टीचर लाइफ इज अनदर लेवल लाइफ. कोई भी आइसक्रीम उस दिन हम लोग खाए थे, मैंने नहीं खाया, पूछ लो आप, पूछ लो कभी आइसक्रीम खाना पड़ा ही एक दिन खाए थे. आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसका मतलब. So any other question for Harshita? Jaldi. Harshita ki koi question hai kya? Bol bol bhai. Ek minute dhyan do. Bolo. पढ़ाई तो सबने किया रहेगा, बट आपने ऐसा अलग क्या किया जिसको आपको लगता है कि आपका उसके वजह से क्लियरेंस हुआ है, रैंक भी आया फाउंडेशन में वगैरह, तो अलग क्या किया ऐसा पूछ रहे हो आपको? ज्यादा पढ़ाई, सो द थिंग इज कि सीएमए आरसी सेड की पढ़ाई सब लोग कर देते हैं, एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग तुमको लगेगा हाँ मुझे सब आ रहा है, मुझे सब आ रहा है, बट जब वेन यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज और वेन यू स्टार्ट यू नो चेकिंग कि तुम लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं, दैट इज वेन यू रियलाइज कि हमको कुछ भी नहीं आता है. एंड दिस वॉज माई केस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जबकि नवंबर में एग्जाम है, मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, टैक्स का पेपर था, एंड आई लाइक मेरे को कुछ 31 मार्क्स आया था टैक्स में, एंड एग्जाम के लिए देयर वाज स्टिल 1 month लेफ्ट, एंड आई न्यू कि हो नहीं, एंड द रीजन वाई मैं फेल हुई थी बिकॉज कि देयर वाज ओनली जस्ट 1 day टू कम्प्लीट द सिलेबस, एंड टू कम्प्लीट DT इन 1 day इट्स जस्ट इम्पॉसिबल.
तो मैंने फॉर एवरी सब्जेक्ट लेट इट बी लाइक फाउंडेशन इंटर फाइनल आई हैड नोट्स कि आई हैड रिटन एवरीथिंग कितना भी बड़ा सिलेबस रहने दो आई हैड ऑल ऑफ इट कवर्ड विद मी इन मैक्सिमम 10 to 20 पेजेस एंड वो मैं करूँगी आई मतलब मेरा एमसीक्यूज आई एम वेरी श्योर मेरे को जहाँ पे भी एमसीक्यूज दे इट हैज टू बी करेक्ट बिकॉज इट कवर्ड एवरीथिंग एंड वो जो नोट्स है इट हैज हेल्प मी लाइक कि फाइनल में भी एक दिन पहले तो सुबह मैंने हर एग्जाम के पहले ड्यूरिंग फाइनल आई हैव रिवाइज्ड एवरी सब्जेक्ट 2 times एग्जाम के 1.5 days फॉर्मूला बुक अपडेट किया गया मैं बोलता हूँ बार बार आपको याद है फॉर्मूला बुक अपडेट करो आपके हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत काम में आएंगे मैंने चार्ट बुक दिया है मगर वो प्रिंटेड है उसको पढ़ने का कंफर्ट और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स का कंफर्ट अलग होता है इसलिए अभी बोला था ये पूरा प्रिंटेड है आंसर्स के साथ बट आपका सॉल्यूशन आपके नोटबुक में चाहिए देखो आईसीएम मॉड्यूल रेफर करना है नहीं करना उसके लिए सबसे मेन आपको मैं बता दूं डिफरेंस क्या है मैं आंसर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन तुम कहां क्लास कर रहे हो उसमें नोट्स में क्या कवर्ड है करेक्ट तुम एक काम करो तुम क्वेश्चनर बुक उठाओ तुम आईसीएम मॉड्यूल उठाओ एफएम का तुम कंपेयर करो तुम्हें पहली चीज दिखेंगी कि मैंने डायरेक्टली आईसीएम के क्वेश्चंस जो है ना वो यहां पर डाल दिए अगर मैंने एक चैप्टर में 3 questions नहीं डाले तो मैंने इसलिए नहीं डाले उसके 2 reasons हो सकते हैं एक तो अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है रेगुलर या क्वेश्चनर दूसरा या तो मैं चाहता हूं कि आप उसे छोड़ो इतना ज्यादा लेंदी उसका आंसर रह सकता है कि आप एग्जाम में चाहते हो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद ही उसे छोड़ दो समझे तो बाकी इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आप कौन सा सब्जेक्ट कहां से कर रहे हो टीचर ने वो कवर किया है नहीं किया थ्योरी के लिए मॉड्यूल रेफर किया क्या कभी आपने फॉर ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स मैंने मॉड्यूल से ही पूरा सब कुछ पढ़ा है एंड जस्ट टू रिवाइज क्विकली जैसे आई हैव टोल्ड बिफोर कि समरी नोट्स के लिए एंड वन मोर थिंग दैट आई मिस्ड सेइंग अर्लियर वाज लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल इज प्रशांत सर की क्लास ही इज गोइंग टू फोकस सो मच ऑन द कॉन्सेप्ट्स लिटरली इट्स ये फाइनल का पेपर एफआर का पेपर 77 मार्क्स ऑफ द पेपर वाज सच दैट वी हैड नेवर सीन नन ऑफ द क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन द एंटायर पेपर And तो अगर तुमको पास होना है that is only one thing which is going to help which is concepts and I don't think expert की कोई भी faculty का कभी ऐसे हुआ that they are not focused on concepts तो whatever is happening in the class class attend करो and it is going to happen So, ये पूछ रहे हैं कि पीएल में क्या किया था पीएल में पढ़ाई किया था भाई कोई टिप सबको पीएल में पढ़ाई करने में प्रिपरेशन लीव में पढ़ाई करने का कोई टिप आप देना चाहोगे क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट द स्टडी लीव सबसे फर्स्ट थिंग आप सब लोगों के माइंड में ऑलरेडी आ चुकी होगी आई डिड नॉट हैव माय मोबाइल फोन फॉर 6 months ऑफ द स्टडी लीव और हम पूछना चाहेंगे सबके भी आप पे कि आपके सांसें चल रही थी क्या वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं था सॉरी इंफॉर्मेशन तुमको पता होती है कि टेस्ट सीरीज इन जनरल कब प्लान होगी इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट्स कब लाता है सो देयर इज ओनली 2 things दैट यू नीड टू बी अपडेटेड एंड तुमको पता है कि एडमिट कार्ड वगैरह कब फिल करना है एंड यू ऑलरेडी हैव योर पेरेंट्स नेक्स्ट टू तो वो तुमको बता देगी ना कि कभी कुछ आ रहा है नॉट यूजिंग फोन इज नॉट स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया मेन उसका वही पेरेंट्स का नंबर रजिस्टर करने का टेस्ट सीरीज वालों को वो नंबर देने का अपना नंबर देने का ही नहीं और अगर दे दिया रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आप बोलो बिंदास बंद करो आपका फोन मैं आपको सच बताता हूँ आपके वक्त मैंने बोला एक सेंटेंस वो बिल्कुल करेक्ट है आपका कोर्स आसान हो गया है हमारे वक्त से आपका कोर्स अभी आसान हो गया है मगर आपने आपके लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा दी है बिकॉज ऑफ दैट फोन तो कॉम्प्लेक्स मत बनाओ आपकी लाइफ को अपनी लाइफ बहुत सिंपल रह सकती है सर वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आते हैं ना सर ऐसा बोलते हो जैसे जी न्यूज में काम करते हो आप है ना लाइव जाना है अभी 1 मिनट में कौन से ऐसे अपडेट आते हैं कोई अपडेट नहीं आते
अच्छा कोई भी फैकल्टी का वीडियो देख लो, बच्चों बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ला, क्या लाया उन्होंने, बोला एडमिट कार्ड आ गया, मगर बोलने का तरीका क्या होता है, आप ध्यान दीजिए इधर आईसीआर की तरफ से मैं आया हूँ इंडिया में सबसे पहले आपको बताने। अरे भाई पढ़ने दो रे, अब तो अकेले पढ़ने दो उनको, सिंपल है। देख बेटा ये ऐसे बचके ने क्वेश्चन क्या पूछा यार, नींद कितनी ली थी बोल दो भाई। हाँ तो I used to sleep every day by 9:30-10 and I'm a early person, तो मैं सुबह 4 o'clock तक वापस स्टडी करना स्टार्ट कर देती थी। I used to sleep for 7 hours every day. Yes, both the levels module. Yes. डेली अप्रोच कर रहे हैं। लॉ एंड ऑडिट के लिए क्या किया, ये लोग यही बोलते रहते बार बार, थ्योरी के लिए क्या किया बोल दो एक बार, बीकॉम किया था क्या, जनरल आंसर आप सकते हो, मैं ऑनेस्टली आंसर मैं देना चाहूंगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन आया कि आपके अंदर ऐसा क्या खासियत था कि सर को इतना कॉन्फिडेंस था कि आप सच में सीए बनने वाले हो, सीए तो इतना टफ एग्जाम है भाई, तो आपके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी था जिसके वजह से सर को इतना कॉन्फिडेंस था कि रिजल्ट के दिन मैंने सुबह उसका नाम चेंज किया। तो सिंपल मैं एक बात बताता हूँ, ये बंदी ने कभी कभी भी मैंने टाइम पास करते हुए देखा नहीं है, जब भी हो टाइम पास नहीं करना मतलब हंसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब हंसी है हमारे साथ ही हंसी है, जब हम पढ़ रहे हैं तब वो भी पढ़ रही है, जब हम पढ़ा रहे हैं और उसके वक्त अगर तुम कुछ टाइम पास कर रहे हो ना, मतलब समझ जाओ आप यहां पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, ना सिर्फ खुद के लिए बट दूसरों के लिए भी। आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो भी बॉन्डिंग है वो सब क्लास के ड्यूरेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, प्रिपरेशन लीव के अंदर नहीं आना चाहिए। एट टाइम्स इट इज बेटर टू बी सेल्फिश बोलते हैं ना, तो वैसा सेल्फिश नेचर आपको क्लास के अंदर रखना पड़ेगा जब कंटेंट डिलीवर हो रहा है इधर, और आपका प्रिपरेशन लीव में ऐसा हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपको वो शेयर कर रहे हो प्रॉब्लम, पहली बात तो अप्रोचेबल मत रहो शेयर करने के लिए, मोबाइल बंद रखो, बट अगर सपोज उसने शेयर कर दिया बाय एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 2 मिनट 5 मिनट जितना बात करना है उतना बात करके वापस अपनी दुनिया में लग जाओ, ये मत सोचो कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो उसका क्या होगा, दोनों का कुछ नहीं होगा, अगर साथ रहोगे तो दोनों का कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा भाई उस वक्त सेल्फिश बनना पड़ता है, सिंपल है। तो वो बंदी ने कभी लिटरली मतलब अगर उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करना था ना, उन्होंने हमसे पहले उससे आके हमसे बात की है कि सर मैं ऐसा सोच रही हूं, तुम्हारे वक्त तो ऐसा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों ने क्लास बंद कर दिया ना सोचने के पहले, बात करने की तो दूर की बात है, ये लोग बाद में सोचेंगे क्या होगा उसका, है ना, आना बंद कर दिया पहले, तो भाई ऐसा नहीं होता यार, आपके क्लासेस को आप इतने लाइटली नहीं ले सकते, आपके रेगुलर शेड्यूल को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, नो डाउट हर स्टेप आपके लिए जरूरी होता है, आपके टीचर्स आपके गाइडिंग रोल प्ले करते हैं आपके लिए, जो भी टीचर को आप सही मानते हो कि भाई हमें ये एडवाइस अच्छा दे सकते हैं सच में, उनको आप कभी मत छोड़ो, कुछ भी स्टेप रहेगा आप पहले उनसे बात करो उसके बाद इंप्लीमेंट करो, तो भाई और वो उसने सब किया है, वो अब तक सब किया है। मुझे ऐड करना, जैसे सर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जाना था तो मैं सर के पास आई थी, तो भाई ये आने का इशू रहता है कि मुझे इतने दूर से आना पड़ेगा, एंड व्हाट इफ सर डजंट मीट मी, तो आई हैड रिटन ऑल द क्वेश्चंस, मैं सब पूरा पेज भर के क्वेश्चंस लिख के आई थी जो जो मेरे माइंड में था, एंड विनोद सर प्रशांत सर दोनों ने ऑलमोस्ट 2 hours मेरे साथ स्पेंड किया, उन्होंने हर एक चीज मेरी सॉल्व करवा दी। तो भाई ऐसा होता है, सिंपल है, और ऐसा नहीं, देखो तुमको अगर लगे, एक और गलत फहमी मैं क्लियर करता हूँ, उस दिन हमको मतलब अगर सपोज बाय एनी चांस टाइम नहीं रहता ना, तो हम उसको बोलते हैं ना कि हर्षिता सॉरी आज नहीं हो सकता अपन कल मिल सकते हैं क्या, तो बिलीव मी वो अगले दिन भी आती थी, कभी कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक आधे काम में अटक जाते, हमको बहुत अर्जेंटली कुछ करना होता है और उस टाइम पे ही अगर कोई स्टूडेंट आ जाए
पर हमने उसको वक्त नहीं दिया तो वो क्या सोचते, अरे सर ने उसको तो टाइम दिया था मुझे नहीं दिया था। अरे भाई हमारे पास इतने लोग हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी हमारी कुछ और हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को फेवरेबल जाते और किसी को अनफेवरेबल जाते। बिलीव मी, कल रात 9:30 बजे प्रेस्टीज से मैं निकला हूँ, जो फेलियर रिजल्ट वाले थे वो लिटरली आके मिले मुझसे और मैंने सबसे बात किया। मैं जब घर पहुंचा ना तो लिटरली मेरे बच्चे सोए थे और सुबह फाइनल के क्लास के लिए जब मैं निकलता हूँ तब भी वो सोए रहते। तो मतलब मैंने उनको परसों मिला हूं, इसका मतलब है आप समझे, कल पूरे दिन नहीं मिला हूं और आज सुबह वापस से मैं फाइनल के क्लास के लिए यहां पर आया था। तो बट ऐसा बोलने का मतलब है कि कभी कभी हमारा दिन भी ऐसे जाता है। तो एक आधी बार हम बिजी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको इग्नोर कर दिया। आपने आपने सोचा रहेगा किसी एक लड़की को टाइम दिया या लड़के को टाइम दिया मगर सर ने मेरे को टाइम नहीं दिया। तो बिलीव मी, इट्स नेवर इंटेंशनल फ्रॉम एनी टीचर स्पेसिफिकली फ्रॉम अस। इट्स नेवर पॉसिबल कि हमने किसी एक को एडवांटेज ज्यादा दिया दूसरे को कम दिया। हमारे लिए बिलीव मी सब लोग एक ही है। आपका बस एक डिजायर हम पूरा करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। आप एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके चले हो सीए बनना, एंड तुम्हारे साथ हम तुम्हारी जिंदगी जीते हैं बेटा। जब तुम फेल होते हो तो हमको लगता है हम फेल हुए, जब तुम्हारा रैंक आता है तो हमको लगता है कि हमारा वो रैंक आया है। जब वो लिटरली बोल रही थी ना, उसके 9th सेकंड में अगर मैं उसको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ फोन कॉल रखने के बाद में सिर्फ देख ले मैंने क्या भेजा है, तो तुम सोच सकते हो कि क्या लेवल का हमको तुम्हारे रिजल्ट के लिए वेट रहता है। अब ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर इसका मतलब आपके पास 400 स्टूडेंट्स है, तो 400 लोगों के लिए आप वेट किए क्या? 400 में से 40 लोग टच में रहते हैं। कितने लोग? 40 लोग टच में रहते हैं, बाकी 360 तो आउट ऑफ कवरेज एरिया रहते हैं। तो ऑब्वियसली हम ही उनके कवरेज में नहीं है तो फिर कैसे हम टच में रहे? जो 40 लोग टच में, बिलीव मी उनके रिजल्ट के लिए हम वेट करते हैं। तो हम आपके साथ भी है, बट एक आधी बार अगर कभी हम बिजी रहे और बोले बेटा आज नहीं अपन परसों मिलते कल मिलते, तो बुरा नहीं मानने का। हम एक नहीं 3 बार बोलेंगे तो 3 बार आओ, बट वो कंप्लीट करके जाओ जो हमको बात करना है आपको, ताकि आप एटलीस्ट एक राइट डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे बेटा। बाकी डेफिनेटली वी वर वेरी श्योर अबाउट हर्षिता एंड मैं भी वाला। और एक्चुअली मतलब वो डिस्कशन आ रहा था हर्षिता, मतलब शी वाज माय इंटर में अपन ने आईपीसी आईटी एसएम के जो कहानी थी वो टाइम पे अपन मिले थे। और जैसे हर्षिता ने बताया कि वो प्रशांत सर और विनोद सर के पास है, तो दो चार बोले सर अमित सर। मेरा मतलब मेरा लॉजिक ऐसा था, मेरी कनेक्टिविटी मतलब सब अर्जुन का अपना अपना प्रोफाइल है, विनोद सर प्रशांत सर का एक अलग प्रोफाइल है जिनका उनका एक अलग से डिफाइंड है, मेरा अलग डिफाइंड है। मैं अपना स्टैटिक बंदा हूँ नहीं, मतलब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी एक जगह टिका ही नहीं हूँ। तो हाँ मतलब मैं एक जगह रहा ही नहीं हूँ, मैं पूरे दुनिया घूमते रहा। तो बट ऐसा रहा कि अगर कोई मैसेज होता जगह तो कम्युनिकेशन हो जाता था। किसी ने ये फ्यूर शॉट है, मतलब उसमें वो प्रशांत सर एक्नोलेज करेंगे, मेरे पास जो मैसेज मेरे पास फेस टू फेस मिलने में बहुत कम है। मेरे पास अभी मैं आपको बता दूंगा 1700 पंचायती रहेगी कि सर अभी लाइफ का क्या करने का। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बस आपको ये है कि जस्ट गो विथ ऑल डायरेक्शन यू हैव। मतलब मैं सच में बोलू ना, मतलब ये प्रशांत सर ने जो बोला ना अभी, तुम्हारा सच में बोलू बहुत सिलेबस रिलेटिवली बहुत आसान है। मतलब अभी तुम्हारा जो अभी सिलेबस है वो इनके सिलेबस से और आसान है, हमारा तो छोड़ दो। ओके हमारा एक वर्जन होगा वर्जन 1। ओके तुम वर्जन 4 इजिएस्ट वर्जन पे हो, मतलब मैं आप पुराने वर्जन से भी इजिएस्ट वर्जन पे हो। द ओनली थिंग इज यू आर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड। उसमें हो सकता है बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का हो, बहुत बड़ा रोल है उसका मिसयूज क्या करना, क्या से मतलब आप अपन क्या कर रहे हैं उसका यूज के साथ मिसयूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सर थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी सर ऑन द अमित सर ने अभी कहा ना कि मेरा स्टैटिक अलग है, तो ये तो जो करियर वाली चीजें उसके लिए मैं प्रशांत सर और उनके पास मांगती हूँ। एंड अमित सर का स्टोरी और मेरी मम्मी का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, तो आई रिमेम्बर सिटिंग विद सर एंड मैं वो सारी डिस्कशन हमेशा अमित सर के साथ ही की है। मतलब भाई आपकी जिंदगी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मैं कभी भी अवेलेबल है, पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। एंड बिलीव मी जो ये हंसती है ना, इसके बैकएंड पे भी क्या प्रॉब्लम्स है ये हमको ही पता है, जो उसने फेस किया है या जो जिसके थ्रू वो गई है। आप यकीन नहीं मानोगे कि उस हार्डशिप्स के बावजूद भी ये जो बोल रही थी इसने ये कर दिखाया बोलकर। तो लाइफ इतनी आसान जो दिखती है वैसे होती नहीं। आपको लग रहा होगा कि शी इज ब्लेस्ड विथ रिसोर्सेज, शी इज ब्लेस्ड विथ ऑल द हैप्पीनेस एंड शी हैज डन हर ओन वर्क। भाई हम जानते हैं उसका स्ट्रगल क्या था। तो एवरीबडी इज सेलिंग इन डिफरेंट बोट्स, ऐसा नहीं कि सबका सेम ऐसा बोट है, हर एक अपना अपना प्रॉब्लम है, मगर सबके पास एक प्रॉब्लम है। आपको लग रहा होगा आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कभी तोड़ को मिलो, जिंदगी के हर प्रॉब्लम आपको कम लगेंगे।
तो थोड़ा थोड़ा ले लो, पास कर दो, मैक्सिमम लोगों को मिलना चाहिए, अगली बार उधर दूंगा, मिलेगा रे। चलिए, पर जबरदस्त जबरदस्त ऐसे स्टोरीज आपके सामने है जिसका रियल लाइफ एग्जांपल आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है भाई आसपास। आपको भी एक ऐसे ही दिन आपको रैंडमली हमारे क्लास में आना है और आपकी स्टोरी शेयर करना है भाई। आई होप बस तब तक मैं पढ़ाऊ, मूड नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल तक तो मूड है। बाद में अच्छा खत्म भी हो गया, वाह क्या स्पीड है भाई। तो चलिए दोस्तों, डेफिनेटली सल्यूट टू हर एफर्ट्स, सल्यूट टू एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफर्ट जो सीए बनता है। आसान नहीं होता है बट इतना मुश्किल भी नहीं है, बराबर है, हम सब मिलके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लो, 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। हम लोगों ने डेटर्स कलेक्शन पीरियड से डेटर्स निकाला, सेल्स का नंबर जब आया था उसको डिवाइडेड बाय 360 करके इनटू 60 करना है। बोलो मुझे सेल्स के नंबर को अगर मैं डिवाइडेड बाय 360 कर रहा हूं तो क्या मिलेगा पर डे सेल, एंड वो कितने दिन तक ब्लॉक्ड है डेटर्स में, 60 डेज तक ब्लॉक्ड है, तो इनटू 60 डेज। ऑल ऑफ यू, तो डेटर्स आ गया आपका। तो देखो जो जो हमने बोला था, सेल्स निकला था ठीक है, करंट असेट्स निकले थे, फिर करंट लायबिलिटीज इन्होंने क्यों नहीं निकाला, दिया था क्वेश्चन में, करंट रेशियो दिया था ना 13:11। अच्छा फिक्स एसेट्स से आपने करंट असेट्स निकाला, फिर करंट लायबिलिटीज नीचे निकाला इन्होंने देखो ठीक है, फिर सेल्स में से जो ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके सीओजीएस आया, इसी सीओजीएस को इन्होंने क्या बुलाया, वर्क्स कॉस्ट, क्या बुलाया लिख दो उधर, लिख दो उधर वर्क्स कॉस्ट एवरीवन। देन उससे हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला, डायरेक्ट वेजेस निकाले, और रॉ मटेरियल कंज्यूम जो लिया था ना हमने इधर, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला फिगर, इसी को यूज किया इधर, डिवाइडेड बाय 12 × 3 कर दिया तो क्या आया, रॉ मटेरियल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर पूरे साल मुझे रॉ मटेरियल लेट से 13,26,000 का लग रहा है तो डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ का समझा मुझे, और बाजू के गोडाउन में मेरा कितने महीने का स्टॉक है, 3 महीने का स्टॉक है, तो इनटू 3 करके मुझे गोडाउन का स्टॉक समझ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसको और बेटर वे में हम वर्किंग कैपिटल में कवर करते हैं। देन आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो खैर 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट था तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। करंट लायबिलिटी मैंने आपको बोला करंट रेशियो से आया था, रिसीवेबल्स कैसे निकाला आपने, टोटल सेल्स को डिवाइडेड बाय 365 × 60 किया, और अगर आप 360 कर लोगे तो भी सही रहेगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, करंट लायबिलिटी से होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं आपके 22 लाख, आपके करंट असेट्स का बैलेंसिंग फिगर आपका कैश रहता है, क्या ये सेम कंसेप्ट अपन ने क्वेश्चंस में भी यूज किया, यस। तो यहां पर करंट असेट्स, रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, बचाओ बैलेंस विल बी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बराबर है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सॉरी नेटवर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे,
मेरे फिक्स एसेट्स प्लस मेरे करंट एसेट्स माइनस मेरा करंट लायबिलिटी माइनस मेरा लॉन्ग टर्म लोन, क्या ये भी लॉजिक हमने क्लास में यूज किया? यस। तो इससे मेरा क्या निकला? नेटवर्थ। और उस नेटवर्थ को मैंने शेयर कैपिटल इज टू रिजर्व्स के रेशियो में डिवाइड किया, तो मेरा शेयर कैपिटल भी निकल गया और रिजर्व्स भी निकल गया। मेरा शेयर कैपिटल आता है 3 लाख, रिजर्व्स आता है 12 लाख, ऑल ऑफ यू। और उससे फिर हमने पीएनएल बैलेंस शीट कंप्लीट किया हमारा, करेक्ट। यहां पर आया एक क्वेश्चन, सर मेरा एक डाउट है, सर रिटर्न ऑन एसेट्स जब टैक्स दिया होता है तब ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स लिया जाता है, बट अगर हमें पैट, बट अगर हम पैट लेंगे तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा? कि नहीं होता बेटा, हम अगर रिटर्न ऑन एसेट्स में ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स इज द मोर लॉजिकल फॉर्मूला, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स इज द मोर मोस्ट लॉजिकल फॉर्मूला। ठीक है, एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस एवरीवन? 8th क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किया था, अगर आप देख लोगे 8th क्वेश्चन को अच्छे से, तो यहां पर लिखा है सेल्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इनकम टैक्स रेट दिया है, अगर इनकम टैक्स रेट दिया ना दोस्तों तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला बनेगा पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100, बराबर है कि नहीं? अगर नहीं दिया रहता था तो सर टैक्स नहीं दिया रहता था तो पीबीटी आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स का रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स का परसेंटेज दिया है। अब बोलो सेल्स रेडी है क्या? तो क्या मिलेगा इधर? नेट प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नेट प्रॉफिट रेडी है तो कैन वी से पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100 से नेटवर्थ मिल जाएगा, ऑल ऑफ यू। क्या बोला फिर से सुनो, सेल्स दिया है मल्टीप्लाई करो 6.25 से, क्या मिला? क्या मिला? नेट प्रॉफिट मिला। अब जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है वो कितना परसेंट है सेल्स का? 6.25% है, ठीक है। अब कैन वी से कि वो हमारा पैट है, तो फिर नेटवर्थ निकलेगा ना आपका, रिटर्न ऑन नेटवर्थ से क्या निकलेगा? नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना आएगा? 15 लाख आएगा। अगर नेटवर्थ निकल गया दोस्तों तो 7:3 में उसको डिवाइड कर शेयर कैपिटल भी निकल जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी निकल जाएगा। नेटवर्थ को डिवाइडेड बाय 10 करने का इंटू 7 करने का, वापस से नेटवर्थ को डिवाइड बाय 10 करने का इंटू 3 करने का, आर यू विद मी? और आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस बोल रहे हो लोग, 12 टाइम्स है और सीओजीएस दिया है, क्या मिलेगा? एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री मिलने के बाद शायद मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक, अगर ओपनिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है तो, करेक्ट। तो कहने से हमारा इन्वेंट्री भी आ गया। फिर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट दिया है, डू यू नो द रेट? रेट कहां दिया है? बैलेंस शीट में 15% बोला है, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर का अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख, यस। रिसीवेबल का अमाउंट दिया हुआ है, पेएबल का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, ये पेएबल 2 लाख है, रिसीवेबल 2 लाख है। फिर आपको नेटवर्थ का 7:3 का आंसर निकाला होगा ना आपने, कितना आता है? 10,50,000, 4,50,000। तो कहने से हमारा लायबिलिटी साइड पूरा रेडी है, कितना? 21 लाख। तो एसेट साइड भी हम बोलेंगे 21 लाख। स्टॉक का आंसर हमारा आ गया था, स्टॉक का आंसर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आया था, कितना? 1,50,000 स्टॉक आता है। और करंट, सॉरी इधर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको नीचे करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को ऊपर भेज देंगे, करेक्ट। अब बोलो आपका कैश कैसे आएगा? करंट एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर ऑफ करंट एसेट्स लेना पड़ेगा आपको कैश। आपका करंट एसेट्स का अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख आएगा। कौन से रेशियो से लाया? करंट रेशियो से लाया, 2 का करंट रेशियो है। और लायबिलिटी साइड देख लो, एक ही आइटम है करंट लायबिलिटी का, पेएबल्स।
तो अगर पेबल्स 2 लाख है और करंट रेशियो 2 टाइम्स है तो करंट एसेट्स 4 लाख है, 4 लाख में से 350 माइनस करेंगे तो 50,000 का आपका कैश आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यहां पर बैलेंस शीट का आएगा, फिक्स एसेट्स कितने का 17 लाख। ऑल ऑफ यू, क्या ये आसान है? ऐसे सिमिलर क्वेश्चन याद आ रहा है आपने क्लास में सॉल्व किया था, बैलेंस शीट उधर भी ऐसे ही हुआ था, बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैलेंस शीट वॉज फिक्स एसेट्स जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया है, 3,70,000 सम आंसर आता है उसका, आपने क्लास में जो सॉल्व किया था और आप लोगों ने ही वो आंसर निकाला था। ठीक है, एट डन है। शैल वी स्टॉप? थोड़ा आज हमारा टाइम जो है मिसमैच है, सुनो अच्छे से, अभी इंस्ट्रक्शन सुन लो, कल मेरा क्लास नहीं रहते हुए एसएम का रहेगा, बिकॉज एसएम का कोई कनेक्टिंग पार्ट है जो कंप्लीट करना है सर को, एक लिंकिंग से चैप्टर एंड होगा, कौन सा तो भी पार्ट है, कौन सा तो भी चैप्टर है पता नहीं, तो सर ने बोला कि लिंकिंग के लिए सर को दो घंटे के ऊपर का टाइम चाहिए, तो कल का मेरा क्लास फिर मैंने सस्पेंड किया सर के लिए, और परसों हम लोग डायरेक्टली मिल रहे हैं। मीन वाइल सुनो अच्छे से, आप सब लोग आपका टेस्ट कब है? सैटरडे को है ना, तो मैं आपको सैटरडे, अरे यार परसों सैटरडे है, सुनो सैटरडे जो है ना, सैटरडे ये जो सैटरडे है ये ऑब्वियसली परसों है, और अपन परसों मिलेंगे क्लास के लिए। ठीक है, सुनो अच्छे से, आपका प्रिपरेशन आप कर लेना आपके क्वेश्चनियर बुक का, आप कौन सा चैप्टर सॉल्व करोगे? कैपिटल बजटिंग आप सॉल्व करोगे, और अगर सैटरडे को डिस्कशन ऑफ क्वेश्चनियर खत्म होता है, जो मुझे लगता नहीं है, बट मैं एक काम करूंगा, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा एसएम का स्लॉट मुझे दे, ताकि अपना डिस्कशन ऑन क्वेश्चनियर शायद खत्म हो। अगर होता है तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप क्वेश्चनियर बुक सॉल्व कर रहे हो, डाउट्स डिफिकल्टीज मार्क्ड है, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके डाउट डिफिकल्टी क्लियर हो जाएंगे और हम टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हमारा बाय एनी चांस डिस्कशन पेंडिंग रहता है तो हम मंडे को टेस्ट लेंगे। संडे, मंडे, ठीक है मंडे रख देंगे, ठीक है मंडे रख दूं, मगर पढ़ोगे अच्छे से? ठीक है। और सैटरडे को फिर हो सकता है कि अमित सर टेस्ट रखे, ऐसा नहीं रहेगा, कोई ना कोई टेस्ट तो जरूरी है भाई, टेस्ट से भागो मत, क्या बोला उसने, टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।